चलो क्या पढ़ रहे थे हम लोग। अच्छा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ना, बोर्ड्स का मॉडल पढ़ रहे थे ना हम लोग, सॉरी बोर्ड्स का क्लासिफिकेशन, इनर्ट गैस एलिमेंट, नॉर्मल और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, और तीसरा था ट्रांजिशन एलिमेंट, और चौथा था इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, तो ट्रांजिशन एलिमेंट हमने देख लिया था पिछले लेक्चर में, डी ब्लॉक के एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते थे, बट जिनका डी सबसेल इनकम्प्लीटली फिल्ड हुआ करता था, है ना। जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी जो थे वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोले जाते थे, कि उनके डी में 10 इलेक्ट्रॉन फिल्स हो जाते थे। ये सब बातें हमने कर लिया था, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, सिक्स्थ पीरियड और सेवंथ पीरियड में डी ब्लॉक के एलिमेंट थे, और 1 to 11 ग्रुप, सॉरी 3 to 11 ग्रुप में ट्रांजिशन एलिमेंट थे, 12th ग्रुप वाले को ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोलते थे। सारी बातें हो गई थी। तो आज हम बात करेंगे जरा इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, यानी एफ ब्लॉक का थोड़ा सा बताऊंगा आपको, हिंट दूंगा। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, देखिए इनर ट्रांजिशन एलिमेंट किसे बोलते हैं, एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं हम लोग, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। देखिए अगर आपको ध्यान हो तो ग्रुप नंबर 3 जो था वहीं से डी ब्लॉक स्टार्ट हुआ था, ग्रुप नंबर 3, ग्रुप नंबर 4, ग्रुप नंबर 5, इतना ही लिखता हूं क्योंकि पूरा नहीं लिखेंगे, अपने को सिर्फ एफ ब्लॉक आपको समझाना है। और डी ब्लॉक का पीरियड कौन सा था, फोर्थ पीरियड, फिर वो फिफ्थ पीरियड में थे, सिक्स्थ पीरियड में थे और सेवन्थ। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट का मतलब क्या होता है, अगर बोर्ड्स के अकॉर्डिंग देखो, अपन लोग समझ लिए एफ ब्लॉक एलिमेंट को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है। बोर्ड क्या बोला था कि इनर ट्रांजिशन एलिमेंट वो होते हैं जिनका अल्टीमेट सेल, पेनल्टीमेट सेल और एंटी पेनल्टीमेट सेल तीनों अधूरा होता है। याद करिए इनर्ट गैस क्या थे, जिनका अल्टीमेट पूरा था, ऑक्टेट कंप्लीट था, ठीक है। नॉर्मल या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स क्या थे, जिनका अल्टीमेट अधूरा था बट पेनल्टीमेट कंप्लीट था। ट्रांजिशन एलिमेंट क्या थे, जिनका अल्टीमेट भी अधूरा, पेनल्टीमेट भी अधूरा। और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होगा, अल्टीमेट भी अधूरा, पेनल्टीमेट भी अधूरा, एंटी पेनल्टीमेट भी अधूरा होता, लास्ट की तीनों से अधूरी होंगी, कंप्लीटली फिल्ड नहीं होंगी। तो अब देखो अगर यहाँ पे देखो, पहला एलिमेंट यहाँ पे स्कैंडियम था डी ब्लॉक का, आप सारा ले सकते हो अपनी बुक का, ठीक है, स्कैंडियम। इसके बाद यहाँ पे 22 टाइटेनियम और 23 वैनेडियम था, बराबर। यहाँ पे आप देखिए 21 के जस्ट नीचे आपको 39 एट्रियम दिख रहा होगा, ठीक है। उसके बाद आपको 40 जिरकोनियम दिख रहा होगा और 41 नियोबियम दिखा होगा, ठीक है। अब सिक्स्थ पीरियड देखिएगा, पहला एलिमेंट 57 लैंथनम होगा, 57 लैंथनम। उसके बाद तुमको 58 ना दिख के डायरेक्ट तुमको 72 हाफनियम दिखा होगा। इसका मतलब 58 से लेके 71 तक के एलिमेंट इसी सिक्स्थ पीरियड के थर्ड ग्रुप में रखे हैं। मतलब यहां पे क्या है, 58 से लेके 71 तक के एलिमेंट, ये 14 एलिमेंट जिनको हम लैंथेनाइड्स बोलते हैं, ठीक है, ये कहां रखे हैं, थर्ड ग्रुप में और सिक्स्थ पीरियड में। अच्छा फिर यहां पे अगर देखें तो 89 एक्टिनियम होगा सेवंथ पीरियड में, जो डी ब्लॉक का एलिमेंट है, ट्रांजिशन एलिमेंट है। 89 के बाद आपको अचानक से 104 रदरफोर्डियम दिखा होगा, बराबर, यानी फिर आपको 14 एलिमेंट मिसिंग दिख रहे होंगे। कहां से कहां तक बेटा, 89 तो डी ब्लॉक है, 90 से 103, ठीक है, 90 से 103 तक के एलिमेंट, इनको एक्टिनॉइड्स बोलते हैं। देखो यहां भी 14 एलिमेंट है, गिनती आती होगी ना, 58 to 71 14 ही आते हैं, ठीक है। और यहां पे 90 to 103 भी कितने हो गए, 14 एलिमेंट, इनको बोलते हैं अपन लोग लैंथेनाइड्स, ठीक है, लैंथेनाइड्स बोलते हैं, बिकॉज इन 14 एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी लैंथेनम से बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी दिखाती है। मतलब इसको लैंथेनाइड इसलिए नहीं बोलते कि लैंथेनम के साथ रखे गए हैं या लैंथेनम के बाद रखे गए, ठीक है, लैंथेनाइड से इसलिए बोलते हैं कि द प्रॉपर्टीज ऑफ दीस 14 एलिमेंट आर वेरी मच सिमिलर टू द लैंथ, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड लैंथेनाइड्स। व्हाई दीस 14 एलिमेंट्स आर कॉल्ड एक्टिनाइड्स, बिकॉज द properties of all these 14 elements are very much similar to the actinium, that's why they are called actinoids. बात समझ में आ रहा है? चलिए अब बात करते हैं, इन्हीं की बात करें, इन्हीं को बोलते हैं inner transition element। पहले आपको position fix हो गई क्या, inner transition, अगर कोई पूछे inner transition element किस किस period में है, तो आपका answer क्या जाएगा, sixth period, seventh period, किन group में है,
थर्ड ग्रुप, इसलिए याद करो मैं लिखाया था थर्ड ग्रुप इज द लार्जेस्ट ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल, ठीक है। अच्छा इसमें से अगर पूछे लैंथनाइड्स की पोजीशन बताइए तो सिक्स्थ पीरियड थर्ड ग्रुप, कोई बोले एक्टिनाइड्स की पोजीशन बताइए सेवंथ पीरियड थर्ड ग्रुप, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बात समझ आ रहा है। चलिए अब जरा बात करते हैं जरा इनर ट्रांजिशन एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। जो बेटा इनर ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं उनको अपन लोग एफ ब्लॉक के एलिमेंट बोलते हैं। इनका अगर मैं आपसे बोलूं कि जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है तो एन माइनस टू एफ वन टू फोर्टीन एन माइनस वन बी जीरो और वन और एन एस टू, ये इनके वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है इसके एफ ब्लॉक का। इसको बोलेंगे अल्टीमेट सेल एनएफ सेल, तो एन माइनस वन वाले को पेनल्टी में और n-2 वाले को एंटी में। मान लो अगर ये सपोज करो अगर ये छठी सेल है तो ये पांचवी हो और ये चौथी हो, बात समझा क्या? ठीक है, अल्टीमेट सबसे बाहर वाली, उसके अंदर वाली पेनल्टीमेट, उसके अंदर वाली एंटी पेनल्टीमेट सेल कहलाती है, ठीक है। तो आप अच्छा बताओ मैं आपको लैंथनाइड और एक्टिनाइड देखो दोनों का ये पूरे एफ ब्लॉक का क्या है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब आपसे कोई पूछा लैंथनाइड का लिखिए तो आप कैसे लिखेंगे, तो उसका शॉर्टकट सुनो। ये बताओ कि लैंथनाइड्स जो है वो पीरियोडिक टेबल के क्या सिक्स पीरियड में थे? इसका मतलब यहाँ एन की वैल्यू सिक्स आएगी, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सिक्स होगा, पीरियड नंबर सिक्स। और जो एक्टिनॉइड्स हैं वो किस पीरियड में रखे गए हैं? सेवन, तो एन की वैल्यू सेवन आएगी। अब तो कितना आसान हो गया। अगर आपसे बोला कोई लैंथनाइड का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो एन की वैल्यू क्या रखूंगा सिक्स, जहां एन है वहां सिक्स रखो, क्या बनेगा सिक्स एस टू। तो अगर एन सिक्स है तो एन माइनस वन सिक्स माइनस वन फाइव, तो क्या ये 5d0 और 1 आएगा और 6 माइनस 2 4f 1 2 14, ये लीजिए लैंथनाइड का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बात समझा क्या? कुछ याद नहीं करना, जबरदस्त ट्रिक है, समझ लीजिए इसको। एक्टिनॉइड पीरियड नंबर 7, यहां रखे 7 जरा 7s2, अगर n 7 है बेटा n माइनस 1 6d0 और 1 और 7 माइनस 2 5f 1 2 14। इसलिए कभी कभी पूछते हैं कि बताइए लैंथनाइड्स को 4f एलिमेंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि सारे लैंथनाइड का लास्ट इलेक्ट्रॉन 4f सबसेल में जाता है। एक्टिनाइड को 5f एलिमेंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक्टिनाइड्स के लास्ट इलेक्ट्रॉन 5f सबसेल में जाते हैं। बात समझा क्या? तो इतनी बात समझा कि लैंथनाइड्स क्या है एक्टिनाइड्स क्या है। अच्छा लैंथनाइड्स कहां से कहां तक है ना, आपका 58 सीरियम से लेके 71 ल्यूटीशियम के ये 14 एलिमेंट लैंथनाइड्स कहलाते हैं। मैं नोट्स में सब लिख के दिया हूं, ठीक है, इनको हम लैंथनाइड्स बोलते हैं। फिर अगला क्वेश्चन, ये नेक्स्ट ईयर भी आप एफ ब्लॉक में पढ़ोगे पूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई दे आर कॉल्ड लैंथनाइड्स, बिकॉज़ ऑफ दीस 14 एलिमेंट आर वेरी मच सिमिलर टू लैंथनाइड। व्हाट इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लैंथनाइड, ये लिखा है, ठीक है, लैंथनाइड का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। व्हाई लैंथनाइड आर कॉल्ड 4f एलिमेंट्स, बिकॉज़ इन ऑल 14 एलिमेंट द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू द 4f सबशेल, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड 4f एलिमेंट्स, ठीक है। जितने भी लैंथनाइड्स हैं ऑल आर नेचुरल, ये सारे पॉइंट्स मेरे नोट्स में मिलेंगे आपको। जितने भी लैंथनाइड्स हैं सब क्या हैं, नेचुरल हैं, एक्सेप्ट वन, और यही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, एक्सेप्ट वन दैट इज 61 प्रोमेथियम, 61 प्रोमेथियम। ये जो आपका लैंथनाइड्स है ये आपका पहली बात तो मैन मेड है, यानी सिंथेटिक है, नेचुरल नहीं है। दूसरी बात साथ साथ ये रेडियो एक्टिव भी है, यानी इससे हार्मफुल रेडिएशन अल्फा बीटा गामा रेज निकलती रहती है। गामा रेस तो ऐसा नहीं होता, अगर अल्फा या बीटा निकलेगा तो गामा तो निकलता ही निकलता है, मतलब गामा रेस का अलग से कोई, मैं आपको न्यूक्लियर केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा इस साल तो बताऊंगा कि गामा रेस जैसा कुछ नहीं है कि अल्फा बीटा मेन होती है, अल्फा निकलेगा तो उसके बाद भी गामा निकलेगा, बीटा निकलेगा उसके बाद भी गामा निकलेगा, यानी गामा तो हमेशा निकलता है, अल्फा निकला तब भी गामा रेस बाद में आएगा, बीटा निकला तब भी गामा रेस बाद में आना ही है। जैसे खाने के बाद स्वीटिस नहीं लेते वैसे गामा रेस होती है, ठीक है, खाने के बाद लेना ही पड़ता है। तो मैनमेड और रेडियो एक्टिव जितने भी बेटा आपके लैंथनाइड है सब नेचुरल है एक्सेप्ट वन, और ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, 61 प्रोमेथियम। एक्टिनॉइड्स की बात कर ले सारी कहानी बड़ी। अच्छा अगर मैं इनकी पोजीशन बोलूं पीरियोडिक टेबल में तो क्या सिक्स्थ पीरियड थर्ड ग्रुप, बस इससे क्वेश्चन भी नहीं आएगा, ठीक है, आपसे जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, लैंथनाइड क्यों बोलते हैं, 4f एलिमेंट क्यों बोलते हैं, कौन नेचुरल है कौन सिंथेटिक है, किस पीरियड किस ग्रुप में रखे गए हैं, इतनी बात जानिए यहां पे, ठीक है। बाकी अब ब्लॉक तो आप नेक्स्ट ईयर डिटेल में पढ़ने वाले हो। आइए अगली बात करें एक्टिनॉइड्स की, तो पहली बात कि किस, अब चलो पोजीशन बता देते हैं, क्या ये सेवेंथ पीरियड में है, थर्ड ग्रुप में है, इनके वैलेंस सेल का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अगर ये याद रखोगे तुम दोनों को बना लोगे, लैंथनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स का, ठीक है, थर्ड ग्रुप में रखे गए हैं।
कहां से कहां तक के एलिमेंट, 90 थोरियम से लेके 103 लॉरेंसियम, ठीक है। ये 14 एलिमेंट क्या कहलाते हैं, एक्टिनॉइड्स। फिर अगला क्वेश्चन, ये 14 एलिमेंट को एक्टिनॉइड क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टी एक्टिनियम से बहुत ज्यादा सिमिलरिटी दिखाती है, इनको इसलिए क्या बोलते हैं, एक्टिनॉइड। अच्छा, इनको 5F एलिमेंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि इन 14 के 14 एक्टिनॉइड्स के लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां एंटर कर रहे हैं, 5F में, इसलिए इनको 5F। कभी ऐसे पूछेंगे, एक्टिनॉइड इज आल्सो पार्ट 5F सीरीज, आपको पता 14 एलिमेंट है तो 90 वाले का होगा 5F1, 91, 5F2, 92, 5F3, भरते भरते 14 पहुंच जाओगे ना, ऐसे बात समझ में आ रहा है क्या, ठीक है। तो 5F एलिमेंट इसलिए इस पे बोलते हैं क्योंकि इनके लास्ट इलेक्ट्रॉन सबके 5F में एंटर करते हैं, ठीक है। अच्छा, अगली बात, यहाँ पे नेचुरल और सिंथेटिक की बात करूं, एक बात पहले लिख दूं, ऑल आर रेडियो एक्टिव, जितने भी एक्टिनॉइड्स हैं दे ऑल आर रेडियो एक्टिव, इनसे हार्मफुल रेडिएशन अल्फा बीटा रेज इमिट ही होती है, ठीक है, ऑल आर रेडियो एक्टिव। लेकिन अगर मैं सिंथेटिक और नेचुरल की बात करूं, तो शुरू के जो तीन आपके एक्टिनॉइड्स हैं, 90 थोरियम, 91 प्रोटेक्टिनियम और 92 यूरेनियम, शुरू के जो तीन आपके एक्टिनॉइड्स हैं ये नेचुरल है, क्या है, नेचुरल है, 90 थोरियम, 91 प्रोटेक्टिनियम और 92 यूरेनियम। बट 93 नेपच्यूनियम से लेके 103 लॉरेंसियम तक के जितने भी एक्टिनॉइड है दे आर सिंथेटिक एंड मैडमेड, ठीक है, सिंथेटिक। 93 नेपच्यूनियम से लेके 103 लॉरेंसियम तक के जितने एलिमेंट्स हैं वो सब क्या कहला, क्या है आपके, सिंथेटिक। मतलब शुरू के तीन ही क्या है, देखो सारे के सारे लैंथेनॉइड क्या थे, नेचुरल थे, केवल एक प्रोमेथियम को छोड़ के, और रेडियो एक्टिव भी केवल एक ही था, कौन, प्रोमेथियम। यही सब एक्सेप्शन ही क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। एक्टिनॉइड्स बोले तो शुरू के तीन एक्टिनॉइड्स नेचुरल है, 90, 91, 92 वाला, ठीक है। 93 से ऑनवर्ड जितने भी हैं सबके सब क्या है, सिंथेटिक है, सबके सब क्या है, सिंथेटिक। और एक बात और पूछते हैं कि यूरेनियम के बाद जितने भी एक्टिनॉइड्स हैं, यानी आफ्टर यूरेनियम, इट मींस फ्रॉम नेपच्यूनियम टू लॉरेंसियम, दे आर कॉल्ड ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट। इनको क्या बोलते हैं अपन लोग, ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट। व्हाई दे आर कॉल्ड ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट, बिकॉज दीज एलिमेंट आर सिंथेसाइज्ड बाय यूरेनियम बाय द हेल्प ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शंस, ठीक है। इन सारे एलिमेंट को हम किससे बना सकते हैं, यूरेनियम से ट्रांसफॉर्मेशन करके, यूरेनियम का ट्रांसफॉर्मेशन करके बना सकते हैं, इसलिए इसको ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स बोलते हैं। तो बताओ इतनी कहानी समझ में आ गई, ठीक है। तो हमने पूरा बोर्ड का क्लासिफिकेशन आपके सामने कवर कर दिया, ठीक है, इनर्ट गैस एलिमेंट, नॉर्मल या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। चलिए अब बात करते हैं, अब धीरे से अपना मेन टॉपिक आने वाला है, पीरियोडिक टेबल का पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, ठीक है। इसमें सबसे पहले थोड़ा सा मैं आपको स्क्रीनिंग इफेक्ट सिखाना पड़ेगा मुझे, स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट, ठीक है, तभी आपको अच्छा समझ में आएगा पीरियोडिक प्रॉपर्टी। देखो स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट या इसी को बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट। नाम सुना है क्या, स्क्रीनिंग इफेक्ट, रोज मार्कर को इंक पिला के, स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, जैसे समझो मान लो ये एटम का न्यूक्लियस है, ठीक है, ये फर्स्ट सेल, ये सेकंड सेल, ये थर्ड सेल, मान लो लास्ट सेल थर्ड सेल है, यहां पे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिसको बोलते हैं, आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, उनके अंदर वाली ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे क्या, वहां भी तो होंगे ना, आप ऐसे बताओ ना, 2, 8, 18, तो अंदर में भी तो होंगे इलेक्ट्रॉन,
यानी अंदर वाली सेल्स में भी क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ये जो इनर ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को रिपल्शन देते हैं और इसी को बोलते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट, यानी रिपल्शन ऑफर्ड बाय इनर ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन टू द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट। इसका मतलब अगर ये सब इलेक्ट्रॉन मिलके इसको ज्यादा रिपेल कर देंगे तो आई होप ये सेल कहीं दूर चली जाएगी, बराबर खिसक जाएगी थोड़ा सा आगे, और अगर ये सेल दूर हो गए तो ये इलेक्ट्रॉन बेचारा दूर हो गया, ठीक है। और अगर ये इलेक्ट्रॉन दूर हो गया यानी इन सब इलेक्ट्रॉन ने मिलके इस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से दूर कर दिया, हाँ रिपल्शन दे रहे हैं इसको, ठीक है रिपेल कर रहे हैं, निगेटिव निगेटिव में रिपल्शन ही तो होता है ना, बात समझा कि नहीं। तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है, इनर सेल के इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, रिपल्शन देते हैं। जितना ज्यादा रिपल्शन देंगे यानी स्क्रीनिंग इफेक्ट उतना ज्यादा है। उससे होगा क्या, सुनो, जब ये इनर सेल के इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को रिपल्शन देंगे तो ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा दूर चला जाएगा न्यूक्लियस से, तो न्यूक्लियस का इस पे अट्रैक्शन कम हो जाएगा। भाई जब तक पास था न्यूक्लियस का अट्रैक्शन इस पे ज्यादा था, जब स्क्रीनिंग हुई अंदर वाले इलेक्ट्रॉन अच्छे से इसको रिपेल कर दिए, ठीक है, तो यानी अब ये इलेक्ट्रॉन दूर हो गया, यानी इन सारे इलेक्ट्रॉनों ने मिलके इस इलेक्ट्रॉन को, इस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में जो अट्रैक्शन था उसको कम कर दिए, मतलब ये सारे इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन के लिए न्यूक्लियस और इनके बीच में एक स्क्रीन का काम कर रहे हैं, एक शील्ड का काम कर रहे हैं। लड़ाई में शील्ड लेके लड़ते थे ना पहले, आगे लगा जैसे यहाँ पे चोट ना लगे, बस वही वाला हाल है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, इन सब इलेक्ट्रॉनों ने एक शील्ड बना दी, इससे क्या हो रहा है कि ये न्यूक्लियस अब इसको देख नहीं पा रहा है या अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है, और अट्रैक्ट नहीं करेगा तो साइज बढ़ेगा, क्योंकि न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की जो डिस्टेंस होती है उसी को एटॉमिक साइज बोलते हैं, उसी को क्या बोलते हैं अपन लोग, एटॉमिक साइज। न्यूक्लियस से लेके जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन था उसके, इसका मतलब अगर स्क्रीनिंग बढ़ जाएगी तो क्या आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन और दूर चला जाएगा, तो क्या साइज बढ़ जाएगी। तो यहां से एक बात दिमाग में सेट कर लो कि स्क्रीनिंग इफेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज, कि अगर स्क्रीनिंग बढ़ेगी, स्क्रीनिंग का मतलब अंदर वाले इलेक्ट्रॉन बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहे हैं, ठीक है, और जितना ज्यादा रिपल्शन पाएगा वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉन उतना ज्यादा दूर चला जाएगा, और न्यूक्लियस से वैलेंस इलेक्ट्रॉन की जो डिस्टेंस होती है उसी को हम एटॉमिक साइज बोलते हैं या एटम का साइज बोलेंगे, ठीक है, रेडियस ऑफ एन एटम बोलते हैं। तो अगर ये सब इलेक्ट्रॉन ज्यादा इसको रिपेल मार देंगे तो ये ज्यादा दूर चला जाएगा न्यूक्लियस से, तो न्यूक्लियस का इस पर अट्रैक्शन नहीं रह जाएगा, इसका मतलब साइज बढ़ गया, ठीक है। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट हुआ क्या कि रिपल्शन ऑफर्ड बाय इनर ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन टू द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड स्क्रीनिंग इफेक्ट। अच्छा, अब अगर मैं बात करूं कि मैं भाई अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स है, स्क्रीनिंग पावर का ऑर्डर क्या होता है, तो अगर मैं आपसे बोलूं कि सबसे अच्छी स्क्रीनिंग करते हैं एस इलेक्ट्रॉन, ये बात बिल्कुल सेट कर लो दिमाग में, स्क्रीनिंग पावर सबसे अच्छी किसकी होती है, एस इलेक्ट्रॉन, उससे वीक स्क्रीनिंग पावर होती है पी इलेक्ट्रॉन, उससे वीक स्क्रीनिंग पावर होती है डी इलेक्ट्रॉन, और सबसे वीक स्क्रीनिंग पावर होती है एफ इलेक्ट्रॉन्स की, यानी एस इलेक्ट्रॉनों की स्क्रीनिंग सबसे ज्यादा होती है, ठीक है, एस इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा रिपेल करते हैं, उसके बाद पी, फिर डी, फिर एफ, और ये ऑर्डर आता है ड्यू टू देयर साइज। क्योंकि होता क्या है, एस ऑर्बिटल जो होता है, आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ाऊंगा, जो एस ऑर्बिटल होता है वो स्फेरिकल होता है, पी ऑर्बिटल होता है डंबल शेप, ठीक है, डी जो आपका ऑर्बिटल होता है वो डबल डंबल, ठीक है, और एफ ऑर्बिटल का शेप तो भी डिफाइन नहीं, बहुत कॉम्प्लेक्स शेप होता है। तो अगर सोचो कि ये न्यूक्लियस है, ठीक है, ये एस सबशेल है, एस सबशेल, तो एस जो ऑर्बिटल होगा न्यूक्लियस के सबसे करीब होगा, अगर ये न्यूक्लियस सबसे करीब होगा और साथ में क्या है राउंड शेप है, तो क्या होगा, ये क्या करेगा, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है और उनके और इनके बीच में क्या करेगा, एक शील्ड अच्छी बनाएगा, न्यूक्लियस को क्या कर लिया, चारों तरफ से कवर कर लिया इसने। लेकिन डी एफ जो डी सबशेल है या पी सबशेल है, ये डिफ्यूज्ड शेप के हैं, इनका शेप ही प्रॉपर नहीं है, डिफ्यूज शेप का है, इसलिए अच्छी स्क्रीनिंग नहीं करता। चलो इतनी बात तुमको नॉर्मल समझ में आएगा, बिल्कुल बेसिक लेवल पर समझा देता हूँ, ठीक है, ये तो था केमिस्ट्री के हिसाब से। चलो अब नॉर्मल स्क्रीनिंग को आपको समझा देता हूँ, मेरे हिसाब से क्या है स्क्रीनिंग, तो आपको बहुत तेज समझ में आएगा, ठीक है, अपन अपना वाला एग्जांपल देखो, स्क्रीनिंग क्या होती है, जरा समझो, अगर मतलब कहने का मतलब क्या, अगर ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के पहले ये सारे इलेक्ट्रॉन एस इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इनका स्क्रीन का मतलब पर्दा, ऐसा समझो, पर्दा यानी कर्टेंस, ठीक है, तो एस इलेक्ट्रॉनों की स्क्रीन पावर क्या है, बहुत ज्यादा है, इन जो एस इलेक्ट्रॉन का पर्दा होगा वो बहुत ज्यादा डेंस होता है, ठीक है, मतलब आप खुद समझो, और एफ और डी इलेक्ट्रॉनों का पर्दा कैसा होगा,
टेंस नहीं होगा। तो सिंपल सी बात करो, जैसे मान लो ये गेट है, ठीक है, अभी तो यहाँ पे ऐसा कुछ लगा है कि इतनी खतरनाक स्क्रीनिंग का बाहर कौन बैठा मुझे नहीं दिखाई दे रहा, मैं हूं न्यूक्लियस, ठीक है, मैं हूं न्यूक्लियस। अब मान लो यहाँ पे एक ऐसा पर्दा लगता जिसमें बाहर दिखाई ही ना देता, तो अगर बाहर कोई आता तो क्या मैं उसको अट्रैक्ट कर पाता, मेरे और उसमें दूरियां ज्यादा होती ना, ठीक है। लेकिन अगर मैं यही पे एक ऐसा पर्दा लगाता जिससे आर पार दिख रहा है, ठीक है, यानी स्क्रीनिंग पुअर है, तो अगर आर पार दिखेगा तो अगर मेरे काम का आदमी होगा तो मैं अट्रैक्ट कर लूंगा, बराबर है। बस वही हाल होता है स्क्रीनिंग का, कि जब एस इलेक्ट्रॉनों की जब स्क्रीनिंग होती है तो इतना खतरनाक पर्दा यहां लगा लेते हैं ये लोग कि न्यूक्लियस को ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन दिखता ही नहीं, ठीक है। तो न्यूक्लियस क्या करता है, इसको अट्रैक्ट कर नहीं पाता, इसलिए साइज घटती नहीं है। जब स्क्रीनिंग अच्छी होती है साइज बढ़ती है, दूरियां बढ़ेगी ना हमारे और उसमें जो उधर है, समझ रहे हो तुम लोग, ठीक है। अगला देखो, अगला क्या होगा कि अगर मैं आपसे बोलूं कि मान लो स्क्रीनिंग डी इलेक्ट्रॉन या एफ इलेक्ट्रॉन्स की है, ठीक है, तो इनकी स्क्रीनिंग क्या पुअर होगी, यानी वो वाला पर्दा है जिससे आर पार दिखता है, ऐसे स्क्रीनिंग किए हैं, क्योंकि इनकी साइज अच्छी नहीं है, तो इनका क्या है जो यहाँ पे कर्टेंस लगाए हैं, जो शील्ड बनाए हैं, वो ऐसी है कि आर पार दिख रहा है। तो अगर आर पार दिखेगा तो न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को देख पाएगा, और देख पाएगा तो अट्रैक्ट करेगा जिससे साइज छोटी हो जाएगी, बात समझा क्या। तो जितना बढ़िया स्क्रीनिंग होगी साइज उतनी ज्यादा होगी, डिस्टेंस उतना, आउटर मोस्ट का डिस्टेंस क्या होगा उतना ज्यादा होगा। अगर कैसा है स्क्रीन पतली है तो न्यूक्लियस को अट्रैक्ट करेगा तो एटम का साइज कम हो जाएगा। स्क्रीन अच्छी बनाया है, स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़िया चल रहा है, एस इलेक्ट्रॉन या पी इलेक्ट्रॉन ने स्क्रीनिंग किया है, तो न्यूक्लियस इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को देख नहीं पाएगा, तब देख नहीं पाएगा तो अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा तो साइज छोटी नहीं होगी, साइज बढ़े, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच दूरियां ज्यादा, समझ में आया। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज, जितना ज्यादा साइज होगा, जितना ज्यादा स्क्रीनिंग होगी उतना बड़ा एटम का साइज होगा। अच्छा एक बात बताओ, अगर जब साइज बढ़ेगा तो क्या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाएगा? भाई जब तक ये इलेक्ट्रॉन यहां था न्यूक्लियस को अपनी भरपूर ताकत से खींच रहा था, लेकिन जैसे स्क्रीनिंग हुई ये इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, थोड़ा दूर हो गया, तो अब इस इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस की ताकत कम हो गई ना। दिमाग लगाओ, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है, यानी पहले जब तक ये नजदीक था न्यूक्लियस अपनी फुल ताकत से इसको खींच रहा था, लेकिन जब अंदर वाले इलेक्ट्रॉन ने स्क्रीनिंग की इसको रिपेल मारा तो ये इलेक्ट्रॉन पहले से थोड़ा दूर हो गया। तो क्या जब इलेक्ट्रॉन यहां था न्यूक्लियस इतनी ताकत से इसको खींच रहा था, क्या इतने दूर के भी इलेक्ट्रॉन को उतनी ताकत से खींचेगा क्या? दूरियां बढ़ गई तो अट्रैक्शन कम हो गया ना। इसका मतलब क्या कि अगर मैं बोलूं कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर बढ़ेगा, यानी न्यूक्लियस की ताकत अगर बढ़ेगी तो साइज कम हो जाएगा। भाई न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने का मतलब साइज घटना, दिमाग लगा। चलो ऐसे बंदो, मान लो एक न्यूक्लियस में दो पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज का मतलब न्यूक्लियस में कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव ही तो होता है, ठीक है, मान लो ये इलेक्ट्रॉन है और एक न्यूक्लियस में मान लीजिए पांच पॉजिटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन है, तो बताइए कहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा अट्रैक्ट होगा, जहां ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज है ना। इसका अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन टुवर्ड्स न्यूक्लियस बढ़ेगा और साइज कम हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं, ठीक है, कि अगर स्क्रीनिंग बढ़ेगी तो साइज बढ़ेगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो साइज कम होगा। और अच्छी स्क्रीनिंग का ऑर्डर क्या होता है, सबसे बढ़िया स्क्रीनिंग कौन करते हैं, इनको ऐसा समझो एस का पर्दा ये वाला है, बाहर कौन बैठा दिखाई नहीं दे रहा, एस और पी का पर्दा। और अगर इसी जो इस पे स्टिकर लगा है उसको मैं निकाल दूं, ठीक है भाई, फ्यूजन लगा इसलिए बाहर कुछ नहीं दिख रहा है, क्या है इसके फ्यूजन के स्टिकर निकालो, बाहर देखो आर के सर बैठते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, वो अट्रैक्ट हो जाएंगे मुझसे, समझ में आ रहा है क्या। तो डी और एफ इलेक्ट्रॉनों का पर्दा जो होता है बहुत ही वीक होता है स्क्रीनिंग पावर बहुत, क्योंकि ये बात समझो, क्योंकि अभी जब मैं आपको साइज पढ़ाऊंगा तो कई जगह बोलूंगा लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि डी इलेक्ट्रॉन आ गया इसलिए न्यूक्लियस ने खींच लिया, साइज कम हो गई, बार बार ये नाटक चलेगा, ठीक है, इसलिए अभी समझ के बैठ जाओ इसको, समझ में आ रहा है क्या। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होगा, कोई डेफिनेशन पूछे, कोई डेफिनेशन पूछेगा नहीं, बट फिर भी क्या होगा स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट क्या होगा, कि द रिपल्शन ऑफर्ड बाय इनर ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन टू द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड स्क्रीनिंग इफेक्ट। द ऑर्डर ऑफ रिपल्शन, एस इलेक्ट्रॉन यानी एस वाले इलेक्ट्रॉन बहुत जबरदस्त तरीके से इसको धक्का मारते हैं, ठीक है, पी वाले कम, डी वाले और कम, एफ वाले और कम, ठीक है। तो जितना ज्यादा स्क्रीनिंग होगा उतना ज्यादा साइज होगा, क्योंकि स्क्रीनिंग ज्यादा यानी रिपल्शन ज्यादा, रिपल्शन ज्यादा तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ज्यादा दूर चला जाएगा और साइज बढ़ जाएगा। समझ में आ गया, बिल्कुल गांव की भाषा में समझाया, ठीक है। आइए अब बात करते हैं इसी पे रिलेटेड, जैसे मैं आपसे बोलूं बेटा ये सोडियम है, सोडियम है ना, अगर ये आपका Na प्लस बनाएगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज करके बनाएगा बेटा, अब ऐसे पूछते हैं तो आपको पता है जो आपका कैटायन होता है ना उसका साइज अपने पैरेंट एटम से छोटा होता है,
यानी कैटायन का साइज, कैटायन इज स्मॉलर देन साइज ऑफ कैटायन आर स्मॉलर देन इट्स पैरेंट एटम जिससे पैदा हुआ है, ठीक है, ठीक है। जो कैटायन का साइज होता है अपने पैरेंट एटम छोटा, यानी एन ए प्लस का साइज सोडियम से छोटा है, बोलेंगे जस्टिफाई योर आंसर, इसको एक्सप्लेन करिए ऐसा क्यों। देखो इसको मैं दो तरह से एक्सप्लेन करता हूं, एक स्क्रीनिंग इफेक्ट से और दूसरा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से। अच्छा बताओ, जब तक सोडियम था, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना 11, इसका मतलब इसके न्यूक्लियस में क्या 11 प्रोटॉन थे, यानी 11 का पॉजिटिव चार्ज, और बाहर इलेक्ट्रॉन कितने थे 11। अरे भैया न्यूट्रल एटम में जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ना, ठीक है, तो एटम में जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन। तो देखो इसका मतलब जब तक सोडियम न्यूट्रल था उसके न्यूक्लियस में 11 प्रोटॉन, बाहर 11 इलेक्ट्रॉन, 11 प्रोटॉन मिलके 11 इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे थे, बराबर। अब सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, लेकिन इलेक्ट्रॉन लूज किया है, प्रोटॉन तो न्यूक्लियस में अभी भी 11 रहेंगे, ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 10, अब 11 को मिलकर 10 को अट्रैक्ट करना है, ज्यादा अट्रैक्शन हो गया ना, इसका साइज छोटा हो गया, खत्म कहानी, बात समझा कि नहीं। पहले 11 मिलकर 11 को अट्रैक्ट कर रहे थे, अब 11 को मिलकर 10 को अट्रैक्ट करना है, इसका मतलब न्यूक्लियर चार्ज या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया भाई। पहले 11 प्रोटॉन मिलकर 11 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे थे, अब 11 ही प्रोटॉन को 10 को अट्रैक्ट करना है, तो न्यूक्लियस ताकत बढ़ गई ना, ठीक है, इसका मतलब न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया, इसे बोल रहा हूं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो गया, जिससे साइज क्या हो गई डिक्रीज हो गई। तो इसका मतलब जब कैटायन बनता है तो जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है, क्योंकि समझो 11 को मिलकर 11 को अट्रैक्ट करना है, 11 प्लस को मिलकर 11 माइनस को, अब 11 प्लस को मिलकर 10 ही माइनस को अट्रैक्ट करना है, तो इसकी ताकत बढ़ गई ना अट्रैक्ट करने की, तो क्या होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो साइज कम हो जाएगा। या फिर तुम स्क्रीनिंग समझना चाहते हो तो स्क्रीनिंग से समझ लो, कैसे, पहले 11 इलेक्ट्रॉन थे, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन को 10 इलेक्ट्रॉन रिपल्शन दे रहे थे, भाई सबसे बाहर वाले को अंदर वाले देते हैं ना, ठीक है, तो जब तक 11 इलेक्ट्रॉन थे तो सबसे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को कितने इलेक्ट्रॉन रिपल कर रहे थे 10। अब क्या था, मतलब कि यहां पे 10 इलेक्ट्रॉनों की स्क्रीनिंग थी, जब एक इलेक्ट्रॉन लूज किया उसके पास इलेक्ट्रॉन ही 10 बचे, अब एक इलेक्ट्रॉन को केवल 9 इलेक्ट्रॉन रिपल्शन दे रहे होंगे, तो यहां 9 इलेक्ट्रॉनों की स्क्रीनिंग हो रही है और यहां 10 इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन हो रहा है, तो रिपल्शन ज्यादा कहां है, यहां पे, तो इसका साइज ज्यादा होगा, यहां रिपल्शन क्या हो गया कम हो गया, स्क्रीनिंग कम हो गई, इसका मतलब क्या हो गया साइज कम हो गया, सीधा सा लॉजिक है, बात समझा नहीं, ऐसे समझो ना बेटा कि सोडियम था उसमें क्या था 11 इलेक्ट्रॉन 11 प्रोटॉन, तो क्या था जब तक सोडियम न्यूट्रल था तो सबसे बाहर वाली जो 2 8 1 भरते हो ना, तो क्या था जो लास्ट इलेक्ट्रॉन था उसको मिलके 10 इलेक्ट्रॉनों की स्क्रीनिंग मिल रही थी, उसको 10 इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहे थे, जब लेकिन Na+ बना तो अब उसके पास इलेक्ट्रॉन ही क्या है 10, 11 से क्या हो गया 10 हो गया ना इलेक्ट्रॉन, अब एक कैटायन बनते एक इलेक्ट्रॉन लूज किया ना, प्रोटॉन तो अभी भी 11 है लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हो गए इसके पास 10, तो इसको रिपल्शन कितने का मिलेगा 9 का, तो यहां 9 इलेक्ट्रॉन मिलकर रिपेल कर रहे हैं आउटर मोस्ट को, यहां 10 इलेक्ट्रॉन मिलकर आउटर मोस्ट को रिपेल कर रहे हैं, तो यहां स्क्रीनिंग ज्यादा हो रही है ना, स्क्रीनिंग ज्यादा, इसका साइज ज्यादा है इसका साइज कम, सीधा सा लॉजिक है कि जब कैटायन बनता है, जब कैटायन बनता है तो स्क्रीनिंग बढ़ जाती है, सॉरी स्क्रीनिंग घट जाती है, सॉरी स्क्रीनिंग घट जाती है, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, ठीक है, जब भी कैटायन बनेगा दिमाग लगाओ, कैटायन बना तो इलेक्ट्रॉन गया, इलेक्ट्रॉन एटम को छोड़ के चला गया, तो जितने भी इलेक्ट्रॉन थे मान लो 11 इलेक्ट्रॉन थे तो 10 मिलके एक को रिपेल कर रहे थे, अब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, अब इलेक्ट्रॉन ही 10 ही है, तो अब रिपल्शन देने वाले कितने इलेक्ट्रॉन बचे 9 ना, तो रिपल्शन का मैग्नीट्यूड कम हो गया, रिपल्शन कम हो गया तो अट्रैक्शन बढ़ गया, इसलिए साइज छोटी हो गई। नहीं समझ में आ रहा कुछ, समझा, और जब हाँ बोलो उसमें देखो कैसे क्या है ना, ये है न्यूक्लियस 2 8 1 बराबर, यहां 2 इलेक्ट्रॉन 8 और 1, जब तक सोडियम न्यूट्रल है ये सब मिलके इसको रिपेल मार रहे हैं, इवन समझ जाना कि ऐसा नहीं है कि अंदर वाले सेल के इलेक्ट्रॉन ही रिपल्शन देते हैं, अगर इनके घर में कोई और होता ना तो वो भी इनको रिपल्शन देता, मतलब सेम ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन भी धक्का मारते हैं कि जाओ निकलो यहां से हमको पूरी जगह चाहिए, बात समझा क्या, घर का आदमी भी धक्का मार के इसको बाहर करना चाह रहा है, तो सेम सेल के इलेक्ट्रॉन भी क्या करते हैं रिपल्शन देते, बट यहाँ पे तो क्या अच्छी बात है सेम सेल में कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं, ठीक है, इसलिए सिर्फ अंदर वाले धक्का मार रहे हैं, तो एक को एक इलेक्ट्रॉन को कितने इलेक्ट्रॉन की स्ट्रीम मिल रही है 8 और 2 10 इलेक्ट्रॉनों का रिपल्शन मिल रहा है,
लेकिन जब Na प्लस बनेगा, Na प्लस का मतलब अभी इलेक्ट्रॉन गया, तो पहली बात सुन, अब दो ही सेल बची, पहली बात देखो एक एक सेल ही गायब हो गई, तो वैसे ही साइज छोटा हो गया पहले तो, बात समझा क्या? अब देखो यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन है, ज्यादा बना दो जल्दी, ठीक है, और यहाँ दो, तो किसी किसी अब बैलेंस लिया हो गई। अब मान तुम इस एक इलेक्ट्रॉन पे रिपल्सन देखना चाह रहे हो, किसने दिया, तो ये दो देंगे और इनके एक दो तीन चार पांच छह सात, सात और दो नौ, तो अब नौ इलेक्ट्रॉनों का रिपल्सन किसी भी एक इलेक्ट्रॉन को मिलेगा, तो अब नौ का रिपल्सन और दस के रिपल्सन में रिपल्सन ज्यादा कहां मिल रहा है, यहाँ पे, तो इसका साइज बड़ा और इसका साइज छोटा। तो सिंपल सा लॉजिक है भैया, जब कैटायन बनता है तो स्क्रीनिंग में क्या आती है, कमी आती है, क्योंकि स्क्रीनिंग कर कौन रहा था, इलेक्ट्रॉन, स्क्रीनिंग कौन कर रहा था, धक्का कौन मार रहा था, इलेक्ट्रॉन, अब एकदम गांव की भाषा समझो, धक्का कौन मार रहा था, इलेक्ट्रॉन, जब तक सोडियम था धक्का मारने वाले कितने थे, 10, अब जब Na+ बना धक्का मारने कितने हैं, 9, तो धक्का मारने वालों की कमी आ गई, तो साइज छोटा नहीं हो जाएगा, समझा, इसको समझ लिया बहुत तेजी से, समझो, धक्का मारने वाले एक्सपर्ट हो। चलो आगे देखो, अब एनायंस की अगर मैं बात करूं, एनायंस की बात करूं कि जो है Cl है बेटा, आपको बताइए 2, 8, 7 बराबर 17 होता है इसका एटॉमिक नंबर, इसको जब एक इलेक्ट्रॉन मिला तो ये Cl- बन गया, अब ये हो गया 2, 8, 8, तो जो साइज की बात करूं, साइज ऑफ Cl- इज ग्रेटर देन Cl, इसका मतलब एनायंस का साइज अपने पेरेंट एटम से बड़ा होता है, कैटायन अपने पेरेंट एटम से छोटा होता है और एनायन अपने पेरेंट एटम से बड़ा। अब लॉजिक क्लियर होगी तुमको, क्योंकि इसमें था जब तक ये न्यूट्रल था इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, 17, तो एक को 16 इलेक्ट्रॉनों का रिपल्सन मिल रहा था, अब एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया तो धक्का देने वालों की संख्या में बढ़ोतरी हो गई, तो क्या होगा, साइज बढ़ नहीं जाएगा, स्क्रीनिंग बढ़ गई क्योंकि नया इलेक्ट्रॉन आ गया, ठीक है। और दूसरा तुम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से भी आंसर दे सकते हो कि जब तक क्लोरीन न्यूट्रल था तो 17 प्रोटॉन मिलके 17 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे, जैसे एनायंस बना, अब बेचारे न्यूक्लियस का 17 प्रोटॉन को 18 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना होगा, तो न्यूक्लियस कमजोर पड़ गया बेचारा, ठीक है, यानी न्यूक्लियर चार्ज कम हो गया, और न्यूक्लियर चार्ज कम हो गया तो साइज बढ़ गया, खत्म कहानी, समझा क्या, यानी स्क्रीनिंग इफेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज, सीधी बात, स्क्रीनिंग इफेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज एंड न्यूक्लियर चार्ज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो साइज कम, याद मत करो, समझो इस बात को भाई, न्यूक्लियर चार्ज का मतलब प्लस बढ़ रहा है, अगर न्यूक्लियर में प्लस बढ़ेगा तो नेगेटिव को बहुत ज्यादा खींचेगा ना वो, और साइज क्या कर देगा, छोटा कर देगा, तो बताओ स्क्रीनिंग इफेक्ट समझ में आ गया, सबसे अच्छी स्क्रीनिंग कौन से इलेक्ट्रॉन करते हैं, एस, फिर पी, फिर डी, यानी डी और एफ इलेक्ट्रॉनों की पुअर स्क्रीनिंग होती है, अच्छी स्क्रीनिंग वो नहीं कर पाते, जब अच्छी स्क्रीन नहीं डेवलप करेंगे तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस पक्का अट्रैक्ट करेगा और साइज को घटा देगा, ठीक है। चलिए तो ये हो गया आपका स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट। अब हम बात करते हैं, अपना नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं पीरियोडिक टेबल में ही, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज क्या पढ़ेंगे अपन लोग, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, नोट्स मैंने ऑलरेडी पूरा भेज दिया है आपको, नोट्स आपके पास पूरा होगा मेरा, ठीक है। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज देखिए, अपने को चार पीरियोडिक प्रॉपर्टी पढ़नी है, ठीक है, ढूंढो मतलब उसी में होगा ऐसा, ठीक है, हाँ, तो खोजते रहो कुछ नहीं मिलेगा, है सब, ठीक है। पीरियोडिक ऐसा नया चैप्टर करके नहीं लिखेगा, बट क्या है इसका पूरा नाम ही है पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टी। अभी हमने खत्म किया पीरियोडिक टेबल, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, ठीक है। मतलब यहाँ पे अपने को चार प्रॉपर्टी पढ़नी है बेटा, एटॉमिक साइज, ठीक है, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इन चारों का डेफिनेशन पढ़ना होगा कि भाई इन ये कैसे डिफाइन करेंगे इनको, और इनका वेरिएशन पढ़ना होगा, जब तुम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाओगे तब क्या ये प्रॉपर्टी बढ़ेंगी या घटेंगी ये बताना होगा, जब तुम पीरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम चलोगे तब प्रॉपर्टी बढ़ेंगी या घटेंगी ये एक्सप्लेन करना होगा, बात समझा क्या, ठीक है। तो हमारे इस नोट्स में थोड़ा एक्सप्लेनेशन कम है, मैं एक्सप्लेन करूंगा, जब तुमको बोर्ड में लिखना होगा तो तुम डिटेल में लिखना, ठीक है। यहाँ मैंने क्या किया, ये एंट्रेंस का हिसाब से नोट्स रहता है, मैंने डायरेक्ट बोल दिया भाई साइज बढ़ रहा है तो ये घटता है, मैं तुमको बता दूंगा तुमको लिखना कैसे अपने एग्जाम में, ठीक है। तो देखो पीरियोडिक प्रॉपर्टी में सबसे पहले अपने को पढ़ना है क्या, एटॉमिक रेडियस क्या होता है, चार प्रॉपर्टी पढ़नी है, पहला एटॉमिक रेडियस, दूसरा आयोनाइजेशन एनर्जी, तीसरा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, चौथा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, बात समझ में आ रहा है। ये चारों प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, इनका वेरिएशन देखेंगे कि अलोंग द पीरियड एंड डाउन द ग्रुप
ये प्रॉपर्टी इंक्रीज हो रही है या फिर डिक्रीज, और इनके सारे एक्सेप्शन कवर करेंगे, ठीक है, जहां पे लीक से हटके आंसर आएगा। कुछ चीजें मैं एक्सप्लेन कर ले जाऊंगा, कुछ आपको डायरेक्ट याद करना पड़ेगा अगर चार नंबर चाहते हो तो एक क्वेश्चन पे, मतलब कुछ, क्योंकि क्या है ना, केमिस्ट्री में चीजों को पहले देखा जाता है, फिर उसके हिसाब से एक्सप्लेनेशन बनाया जाता है, और वो एक्सप्लेनेशन सही है या गलत है ये भी प्रूव नहीं करते, वो लोग बोलते थे हाइपोथेटिकल कंसेप्ट करके कहानी खत्म कर देते। जैसे रेजोनेंस पढ़ा होगा तुमने, हाँ वहां पढ़ा होगा, जितने भी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनते हैं दे ऑल आर इमेजिनरी, उनका रियल एग्जिस्टेंस तो इस प्लेनेट पे नहीं है, ठीक है, किसी और ग्रह पे आपको आरएस दिख जाए बात अलग है। हाँ, एग्जिस्ट कौन करता होगा, रेजोनेंस हाइब्रिड, रेजोनेंस हाइब्रिड हाइपर कॉन्जुगेशन, सब सोची समझी साजिश है केमिस्ट्री में, कुछ भी नहीं है, बट क्या दिखा देते हैं ऑर्बिटल का रेजोनेंस हो रहा है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन कूद जा रहा है बगल वाले वैकेंट ऑर्बिटल, तभी नाम पड़ा हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर का मतलब खतरनाक कॉन्जुगेशन हो रहा है यार, कॉन्जुगेशन तो पाई का होता है, हाइपर का मतलब सिग्मा इलेक्ट्रॉन कूद के अपनी जान दे रहा है दूसरे ऑर्बिटल में, सिग्मा सिग्मा बॉन्ड टूटने वाला बॉन्ड नहीं है, वो कॉन्जुगेशन का हिस्सा बन रहा है, नाम पड़ता है उसका हाइपर कॉन्जुगेशन। बात समझा क्या? तो कुछ बातें एक्सप्लेन करूंगा, कुछ चीजें होंगी जहां मैं बोलूंगा बेटा इसको डायरेक्ट याद कर लो, ठीक है, और सारे क्वेश्चन मैं कवर कर दूंगा जितने कॉम्पिटेटिव एग्जाम में यहां से आते हैं, और आपको तब भरोसा होगा जब आप जाके क्वेश्चन सॉल्व करोगे किसी बुक से, ठीक है, जब सारे क्वेश्चन धड़ाधड़ा आपके निकल जाएंगे, बट लेकिन पूरा जितना ऑर्डर बताऊंगा उसको याद करके रखना, ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग है यहाँ पे, क्योंकि आप क्या करते हो, पीरियडिक प्रॉपर्टी में आपको पढ़ाया क्या जाता है बोर्ड लेवल पे, आपको डेफिनेशन अलोंग द पीरियड, डाउन द पीरियड, कैसे आप लिख के आओगे, डाउन द ग्रुप क्या लिख के आओगे, बढ़ता है घटता है, बट उस पे एंट्रेंस के क्वेश्चन आपसे नहीं निकलते, क्योंकि जितने एक्सेप्शन है वो टीचर कवर ही नहीं करते, कहां पे एक्सेप्शन होगा, तो उस चीज को बहुत ध्यान से देखिएगा। चार प्रॉपर्टी पढ़नी है, तो जो पहली प्रॉपर्टी है बेटा एटॉमिक रेडियस, क्या है, एटॉमिक रेडियस, देखियो अगर मैं इसको डिफाइन करूं बेटा, डेफिनेशन दूं अगर एटॉमिक रेडियस का, तो किसी भी एटम में न्यूक्लियस से जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की जो डिस्टेंस होती है, ये डिस्टेंस, ये एटॉमिक रेडियस कहलाती है, मतलब सबसे छोटे लेवल की डेफिनेशन, ठीक है, कि द डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। मैं लिख देता हूं, द डिस्टेंस ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, द डिस्टेंस ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस, ठीक है, फ्रॉम न्यूक्लियस इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस, उसे ही हम एटॉमिक रेडियस बोलो, साइज बोलो, बात एक ही है, ठीक है। तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की जो न्यूक्लियस से डिस्टेंस होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक रेडियस। बट अगर मैं सच्चाई बोलूं तो ये डेफिनेशन गलत, ठीक है, पढ़ा दिया तो छोटे लेवल पे यही बातें लोग करते हैं कि न्यूक्लियस से लेके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की जो डिस्टेंस होती है क्या बोलते हैं, एटॉमिक रेडियस। जब आपको मैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ाऊंगा ना, तो मैं आपको बताऊंगा इलेक्ट्रॉन वेव है, इलेक्ट्रॉन क्या है, वेव है, वो पार्टिकल ही नहीं, वो क्या है, वेव है, और वेव कैसे चलता है, आप समझो कि अगर मान लो ये ऑर्बिट है, अब इलेक्ट्रॉन अगर वेव होगा तो ऐसे से चलेगा ना, बराबर, कोरोना नहीं है, ठीक है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन क्या है बेटा, वेव है, और कोई चीज वेव होती है, हम वेव की क्या बाउंड्री डिफाइन कर सकते हैं क्या, समुद्र में भी वेव निकलती है, सी में, बताओ उसकी वेव की बाउंड्री क्या है, बता सकते हो क्या वेव की बाउंड्री क्या होती है, तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक वेव है तो वेव की बाउंड्री हम डिफाइन कर नहीं सकते, ठीक है, तुम बोल रहे थे इलेक्ट्रॉन यहां था, जब तक तुम नापने गए इलेक्ट्रॉन यहां आ गया, तो वेव है ना, चल रहा है लगातार, तो इसीलिए एटम की बाउंड्री रियल में क्या है ये कोई नहीं जानता, ठीक है, कि एटम की बाउंड्री किसे बोलते हैं, छोटे लेवल के डेफिनेशन तक चलेगा। इसका मतलब क्या कि बिकॉज इलेक्ट्रॉन इज अ वेव सो बाउंड्री ऑफ एटम कुड नॉट बी डिसाइडेड, हम बाउंड्री ऑफ एटम को डिसाइड नहीं कर सकते कि भाई यहां से वहां तक ये बाउंड्री एटम की बाउंड्री है, क्योंकि वो तो क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या है, वेव है, और वेव की बाउंड्री को हम डिफाइन नहीं कर सकते, आप पढ़ोगे फिजिक्स में ये बात, ठीक है। तो बात क्या आती है फिर सर, कैसे निकालें एटम की रेडियस, तो एटम की रेडियस हमेशा कंबाइंड स्टेट में निकलती है, जब वो मॉलिक्यूल बना के बैठता है तब आप एटम की रेडियस निकालते हो, यानी फ्री स्टेट में एटम की रेडियस आप नहीं निकाल सकते, क्योंकि फ्री स्टेट में एटम की रेडियस निकालने के लिए एटम से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस आपको क्या करनी होगी, मेजर करनी होगी, और इलेक्ट्रॉन क्योंकि वेव है तो वेव की बाउंड्री डिफाइन ही नहीं होती, इसका मतलब आप आइसोलेटेड एटम में रेडियस नहीं निकाल सकते। हाँ, जब वो एटम कंबाइंड स्टेट में है
किसी के साथ रिएक्शन करके कोवेलेंट बॉन्ड या मेटालिक बॉन्ड या वांडरवाल बॉन्ड बनाया है, तब आप रेडियस निकाल सकते हो। ठीक है, इसका मतलब क्या कि जो एटॉमिक रेडियस होता है इज मेजर्ड इन बॉन्डेड स्टेट। एटॉमिक रेडियस इन बॉन्डेड स्टेट, हम एटॉमिक रेडियस को बॉन्डेड स्टेट में निकालते हैं। ठीक है, आइसोलेटेड स्टेट में नहीं निकाल पाते, क्योंकि पहली बात तो बेटा फ्री एटम एग्जिस्ट ही नहीं करता। अगर इनर्ट गैस को छोड़ दो तो क्या आपको फ्री एटम कभी मिलेगा? क्या कभी आपको H मिलेगा? क्या आपको जब भी हाइड्रोजन मिलेगा H2 के फॉर्म में मिलेगा, गैस के फॉर्म में मिलेगा? आपको कभी क्या सिंगल O मिलेगा क्या? ऑक्सीजन नहीं, जब भी O मिलेगा O2 के फॉर्म में मिलेगा। तो आपको मॉलिक्यूल के अंदर से एटम की रेडियस को निकालना आना चाहिए। तो एटम की रेडियस हम किस में मेजर करते हैं? बॉन्डेड स्टेट। अब देखिए एटॉमिक रेडियस चार तरह की होती है। ठीक है, ये फोर टाइप्स की होती है। जो एटॉमिक रेडियस होती है ना वो चार तरह की होती है। पहला कोवेलेंट रेडियस, कोवेलेंट रेडियस। दूसरा वांडरवाल रेडियस, देखिए इनका नाम खत्म नहीं हो रहा है। ठीक है, फिर आ गया यहां पे वांडरवाल रेडियस। तीसरा मेटालिक रेडियस, तीसरा मेटालिक रेडियस। और चौथा आयोनिक रेडियस, इसको लास्ट में थोड़ा सा पढ़ लेंगे। आयोनिक रेडियस मेन तीन ये है। ठीक है, कोवेलेंट रेडियस, वांडरवाल रेडियस, मेटालिक रेडियस एंड आयोनिक रेडियस। अब जरा सुनो कोवेलेंट रेडियस क्या होती है। आपको पता है कोवेलेंट बॉन्ड कब बनता है? जब दो एटम इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं। जैसे बोलो बेटा कि H प्लस H इक्वल टू, तुम क्या बोलते हो? H2 ना, बराबर। इसमें क्या है भैया, इस हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, दूसरे हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, और हाइड्रोजन को अपना ऑक्टेट नहीं अपना डुप्लेट कंप्लीट करना होता है, उसको केवल दो इलेक्ट्रॉन चाहिए। इनके पास कितने हैं? एक। इनके पास भी कितने हैं? एक। तो ऐसा तो नहीं होगा कि इन हाइड्रोजन से बोले तुम अपना इलेक्ट्रॉन मुझे दे दो और तुम बर्बाद हो जाओ, बराबर है ना? ऐसा तो होगा नहीं बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि दोनों बराबर लेवल के करीब है। ठीक है, तो क्या होगा? बोले चलो एक इलेक्ट्रॉन मैं भी अपना बीच में रखता हूँ, एक इलेक्ट्रॉन बीच में रखो, और दोनों इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं। देखो मेरा भी दो हो गया, तुम्हारा भी दो हो गया, दोनों का डुप्लेट कंप्लीट। बात समझा क्या? दोनों का डुप्लेट कंप्लीट, इसको बोलते हैं शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर। ठीक है, अच्छा अब समझो कि मान लो इसका मतलब बेटा, इसका मतलब क्या है? दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की। ध्यान रखना, जब भी कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, जब भी दो एटम इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं ना बेटा, तो दोनों एटम के वैलेंस सेल के ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करते हैं। जब भी ये आपको मैं पढ़ाऊंगा केमिकल बॉन्डिंग में, अभी आपको इतना डिटेल नहीं बताऊंगा, बस इतना समझो कि जब भी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो दोनों एटम के ऑर्बिटल आपस में क्या करते हैं? ओवरलैप करते हैं, एक दूसरे में घुस जाते हैं। ठीक है, ओवरलैप करते हैं। इसका मतलब क्या होगा, बहुत ध्यान समझना, कि इसका मतलब अगर ये पहला हाइड्रोजन है, इसका ये न्यूक्लियस होगा। अब ये दूसरा हाइड्रोजन है, ये इसका न्यूक्लियस होगा। ये दोनों ओवरलैप कर गए। ठीक है, तो दोनों, ये पहला हाइड्रोजन, ये दूसरा हाइड्रोजन, क्या यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस को हम क्या बॉन्ड लेंथ बोलेंगे? बॉन्ड की लंबाई या इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बोलिए, या उसी को क्या बोलते हैं? बॉन्ड लेंथ। यानी ये डिस्टेंस कहलाती है आपका, ये डिस्टेंस कहलाएगी आपका डी एच एच, दिस इज कॉल्ड बॉन्ड लेंथ। ठीक है, जब दो एटम आपस में कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं तो दोनों एटम की जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस होती है उसी को क्या बोलते हैं? बॉन्ड लेंथ। यानी ये दोनों एच, यानी आप देखोगे कि अगर एच और एच की बॉन्ड लेंथ इतनी है, इसका मतलब दोनों एच मैक्स टू मैक्स इतने ही करीब आ सकते हैं, बस उससे ज्यादा करीब आएंगे तो रिपल्शन हो जाएगा और मॉलिक्यूल बनेगा ही, एक डेफिनेट डिस्टेंस तक ही करीब आते हैं बस। ठीक है, तो कह रहे हैं तुम कैसे ना सर, और अच्छे से ओवरलैप कराइए ना सर, ऐसे कराइए ना ओवरलैप। ठीक है, यहाँ देखिए ज्यादा ऐसे लिख रहा है, अच्छा भी लग रहा है देखने में, ऐसा कुछ नहीं होता। मतलब 50% से ज्यादा ओवरलैप नहीं करा सकते यहाँ। ठीक है, उतना ही नजदीक आएंगे जितने में जब तक अट्रैक्शन डोमिनेट करेगा रिपल, क्योंकि बॉन्ड बनना क्या है? बॉन्ड का मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, तो जब तक क्या होगा, दोनों इतने ही करीब आएंगे कि जब तक अट्रैक्शन डोमिनेट करता रहा किस पे? रिपल्शन पे। वो उतने करीब नहीं आएंगे कि रिपल्शन बढ़ जाए, क्योंकि रिपल्शन बढ़ जाएगा तो बॉन्ड कहां बनेगा? बात समझा क्या? रिपल्शन से बॉन्ड कहां बनता है? दूरियां बढ़ जाती है, समझदार हो तो सर। तो क्या होगा आपका, ये क्या आपका बॉन्ड लेंथ, बराबर एच और एच, यानी ये क्या हो बॉन्ड लेंथ। इसका मतलब मेरी बात सुनो कि अगर दो एटम ने कोवेलेंट बॉन्ड बनाया है तो ये तो बॉन्ड लेंथ हुई। इस बॉन्ड, इस इंटर, चाहे बॉन्ड लेंथ बोलो या इसी को बोलते हैं इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। आई होप समझ में आ रहा होगा।
ठीक है, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, तो इसी इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस की जो हाफ डिस्टेंस होगी दैट इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। इसका मतलब ये वाला पार्ट इतना, ये पहले हाइड्रोजन का एटॉमिक रेडियस और ये वाला दूसरे हाइड्रोजन का एटॉमिक रेडियस, ये हुआ एटॉमिक रेडियस या कोवेलेंट रेडियस। ठीक है, यानी अगर दो एटम ने कोवेलेंट बॉन्ड बनाया है तो दोनों एटम की इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ डिस्टेंस क्या कहलाता है, कोवेलेंट रेडियस या एटॉमिक रेडियस। क्या इसका मतलब बेटा, मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, डी एच एच यानी ये हुआ बॉन्ड लेंथ, क्या ये बॉन्ड लेंथ आर एच प्लस आर एच के बराबर होगा? एग्री करते हो यार, दोनों जोड़ दो बराबर हो जाएगा। इसका मतलब अगर मैं हाइड्रोजन का कोवेलेंट रेडियस निकालूं तो क्या डी एच एच डिवाइड बाय टू बराबर, बस हो गया, हाथ हो गया कोवेलेंट रेडियस, बात समझा क्या, डी एच एच बॉन्ड लेंथ डिवाइड बाय टू, तो क्या हो जाएगा आपका इसका, ये भी बॉन्ड लेंथ डिवाइड बाय टू, क्या जाएगा, बात समझा कि नहीं, कोई डाउट तो नहीं किसी को। जैसे मैं क्लोरीन का इसको मिटा दूं, जैसे मान लीजिए क्लोरीन का, अभी देखो मैं सब होमो डायटॉमिक मॉलिक्यूल ले रहा हूं जहां दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, बिल्कुल सेम है। ठीक है, जब दोनों डिफरेंट एटम हो जाएंगे तब बात बदल जाएगी। अभी हाँ देखिए, जैसे मैं एक और एग्जांपल दिखा देता हूं आपको, ठीक है, ये ए मान लो ये कोई एटम है ए, ठीक है, और दूसरा एटम भी है ए, यानी सेम एटम है, क्या ये इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस हुई, यानी बॉन्ड लेंथ, क्या इसको मैं डी ए ए बोल सकता हूं, इसकी जस्ट हाफ डिस्टेंस क्या कहलाएगी, कोवेलेंट रेडियस आर ए बराबर, तो क्या बॉन्ड लेंथ इक्वल टू आर ए प्लस आर ए होगा। इसका मतलब अगर मैं मान लीजिए ए एटम की एटॉमिक रेडियस निकालना चाह रहा हूं तो बॉन्ड लेंथ डिवाइड बाय टू, खत्म कहानी, बात समझा क्या। तो व्हाट इज कोवेलेंट रेडियस, अगर दो एटम ने आपस में कोवेलेंट बॉन्ड बनाया है तो दोनों एटम की इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का जो हाफ डिस्टेंस होगा दैट इज कॉल्ड कोवेलेंट रेडियस, यानी द हाफ ऑफ डिस्टेंस, द हाफ ऑफ डिस्टेंस ऑफ इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस ऑफ टू एटम व्हेन दे आर बॉन्डेड विद कोवेलेंट बॉन्ड इज कॉल्ड कोवेलेंट रेडियस। अगर दो एटम ने आपस में कोवेलेंट बॉन्ड बनाया है तो दोनों एटम की इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस की जो हाफ डिस्टेंस होती है उसको कोवेलेंट रेडियस बोलते हैं। समझ में आ रहा है क्या? तो देखो अभी तक हमने दोनों एग्जांपल जो लिया उसमें देखो क्या दोनों एटम सेम थे, इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम थी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता टेंडेंसी ऑफ अ बॉन्डेड एटम टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन पेयर, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर। ठीक है, अब देखो अगर मान लो, मतलब ये फॉर्मूला तब तक वैलिड कब हो रहा है जब तक दोनों एटम सेम है। ठीक है, अभी ध्यान से सुनना, अगर मैं बोलूं इफ बोथ द एटम आर डिफरेंट, इफ बोथ द एटम आर डिफरेंट, अगर दोनों एटम डिफरेंट है, डिफरेंट का मतलब मान लो एक ए एक बी, तो यहां से दो केस बनेंगे। अच्छा, तो क्या होगा अगर यहां दो केस बनेंगे, क्या इफ ए एंड बी हैव ऑलमोस्ट सेम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, यानी मान लो दो एटम है डिफरेंट, उनकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेम है। अब ये मत बोलना कि सर दो एटम की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेम कैसे हो सकती है। ठीक है, दोनों अगर दो एटम डिफरेंट है तो उनकी इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंट, ऐसा कुछ रूल नहीं है। अगर मैं आपको जब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पढ़ाऊंगा आज शाम को, नहीं शायद अगला लेक्चर जाएगा, तो आप देखोगे फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो होती है वो 4 होती है पॉलिंग स्केल पे, क्लोरीन जो होता है वो 3 होता है, ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 2.8 होता है, आयोडीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 2.5, फ्लोरीन के आगे आ जाएगा आपका क्या ऑक्सीजन के 3.5, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 3 होती है। ठीक है, कार्बन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होती है 2.5, कार्बन 2.5 होती है, ऑक्सीजन सल्फर, सल्फर होता है आपका आपका 2.5। ठीक है, और नाइट्रोजन जो फास्फोरस होता है आपका 2.1 और हाइड्रोजन होता है 2.1 इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। सब आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में इतना तो कम से कम इतना लिखा याद करना पड़ेगा। देखो फास्फोरस इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कितनी है, हाइड्रोजन क्या दो, अगर एटम डिफरेंट है क्या उनकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेम नहीं हो सकती क्या, इसलिए लिख के बता दिया। कैसा मत समझना कि डिफरेंट है तो इलेक्ट्रोनिगेटिव सेम कैसे हो गई, बात समझा क्या। चलिए इफ ए एंड बी हैव ऑलमोस्ट सेम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, जैसे फास्फोरस और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बना दो, ठीक है, तो क्या होगा, मेरी बात समझो, अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेम है तो मान लो ये पहला एटम ए और ये दूसरा एटम बी, और अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेम है तो ना तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को ये न्यूक्लियस की तरफ खींचेगा ना ही ये खींचेगा, तो एकदम बीचों बीच पड़ा रहेगा ये, तब वही आपका इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है ये, क्या इसको मैं डी ए बी लिख सकता हूं,
बॉन्ड लेंथ ऑफ ए बी इज इक्वल टू, यहां पे भी क्या होगा वही फॉर्मूला काम करेगा, ये आर ए और ये क्या हुआ आर बी, ये हो गया आर ए प्लस आर बी, यानी ये फॉर्मूला अभी भी वैलिड है। जब एटम तो डिफरेंट हुए बट उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हुई सेम हुई, जैसे देखिए आयोडीन 2.5 सल्फर 2.5, एटम तो डिफरेंट है ना बट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, यहाँ ये फॉर्मूला वैलिड हो जाएगा। लेकिन अगर मैं बोलूं कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट है तब क्या होगा, जरा सुनो, अगर मैं आपसे बोलूं इफ ए एंड बी, सर आज बंद करना लगती है सर, बहुत ठंडा लग रहा है। डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, डिफरेंट गर्मी हो रही है तो ठंडा लग रहा है सर, ठंडा लग रहा है, आप बोलते रहते हो, आप चलते रहते हो, तो मैं क्या करूं बताओ, ना बोलूं ना चलूं, लेट जाऊं इससे, हां पढ़ाने आया यही तो करूंगा ना मैं बेटा, तो मुझे गर्मी लग रही है, बताओ इंपॉर्टेंट कौन है, मैं ना, मैं बोलना बंद कर दिया, मैं बेहोश हो गया, पढ़ाएगा कोई, ठीक है, पसीना आ रहा है मुझे, ठीक है, ए एंड बी है डिफरेंट इलेक्ट्रो नेगेटिविटी, देखो बेटा, सपोज करो कि अगर हमने मान लिया इफ इलेक्ट्रो नेगेटिविटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन बी, ठीक है, एक बात सुन लो पहले थोड़ा सा, यही पे पहले दिमाग लगा लो फिर आगे बढ़ता हूँ, जैसे HCl है, अब खुद देख लो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रो नेगेटिविटी, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 और इसकी क्या है 2.1, तो कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्लोरीन, इसका मतलब जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ घसीट ले जाता है, ठीक है, तो आपको पता है हाइड्रोजन के वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन थे 1, क्लोरीन के वैलेंस में कितने हैं 7, तो इनको करना है अपना 8, इनके पास कितने कमी है 1, इनको करना है 2, इनके पास कितने कमी है 1, तो इनको भी एक चाहिए इनको भी एक चाहिए, बोले ठीक भाई मैं अपना एक बीच में रखता हूँ तुम साथ में से अपना एक बीच में रखो और शेयरिंग कर लेते हैं, ये देखो बन गया कोवेलेंट बॉन्ड, इसको बोलते हैं शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर, साझा किया हुआ इलेक्ट्रॉन युग्म, ठीक है, जो दोनों ने शेयर किया है आपस, ठीक है, ये इसका भी है इसका भी है, बट देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है क्लोरीन, क्लोरीन क्या होगा बोले भैया देखो मेरी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचने की ताकत ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाती है, छोटी नहीं हो जाएगी, समझ में आ गया, इसका मतलब अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगी तो ये फार्मूला काम नहीं करेगा, जो आर ए प्लस आर बी आएगा वो इससे छोटा ही आएगा बॉन्ड लेंथ से, मैं बता रहा हूं कैसे आएगा, इतनी कहानी समझ में आएगी नहीं पहले, चलो अब जरा समझो कि माना ये एटम ए है, ठीक है, और ये एटम बी है, ये दोनों का न्यूक्लियस है, इसका मतलब अगर मैं बोलूं कि ये जो डिस्टेंस है, मान लो सपोज करो ये ए एटम है ये बी एटम है, तो क्या ये डिस्टेंस डी ए बी यानी बॉन्ड लेंथ कहलाएगी, दोनों एटम जब कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं तो दोनों एटम की जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस होती है उसे वो क्या बोलते हैं बॉन्ड लेंथ, ठीक है, अच्छा अब क्या होगा यहाँ पे भाई, इसका एग्जैक्ट हाफ क्या होना चाहिए, एटॉमिक रेडियस जो आपका ये हो गया ये, तो इसको क्या होना चाहिए आर ए और ये क्या होना चाहिए आपका आर बी, बराबर, और बॉन्ड लेंथ किसके बराबर होना चाहिए था आर ए प्लस आर बी, तो यहाँ पे क्या होता है अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट है तो बॉन्ड लेंथ इक्वल टू आर ए प्लस आर बी नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि भैया जब अगर मान लो ए इलेक्ट्रोनेगेटिव है इस पे क्या जाएगा, इस पे क्या आएगा, इन दोनों में अट्रैक्शन होगा तो दोनों और पास आएंगे, और पास आएंगे तो बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी, तो आर ए प्लस आर बी बराबर कहां आएगी, समझा कि नहीं, पहले बताओ आंसर तो नहीं गया, तुम्हें नहीं समझा ना, हाँ तुम्हारी मस्तिष्क की रेखा बता रहे तुम्हें कुछ नहीं समझ में आ रहा है, इधर देखो फिर से समझो भाई, ए और बी में ए ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था बी कम, पहले हमने क्या किया दोनों को ओवरलैप करा दिया कोवेलेंट बॉन्ड बना दिया, ये बॉन्ड लेंथ हो गई, तो बॉन्ड लेंथ इक्वल टू थोड़ा समझो, बॉन्ड लेंथ इक्वल टू क्या होता है दोनों की रेडियस का सम आर ए प्लस आर बी, बट ये तब तक होगा आर ए प्लस आर बी भाई जितना जितना ये बॉन्ड लेंथ है, अगर इतना ही मेंटेन रहेगा तो दोनों रेडियस जोड़ूंगा जितना आएगा, लेकिन अगर सोचो तो दोनों एटम मान लीजिए कुछ ऐसा समझिए कि दोनों एटम इतने दूर पे थे,
ठीक है, उन पे चार्ज का डेवलपमेंट नहीं हुआ, दोनों इतनी दूर पर रहेंगे, तो एग्जैक्ट आधी डिस्टेंस ये जो होगी वही ये होगी, आर ए प्लस आर बी बराबर बॉन्ड लेंथ आएगा। लेकिन क्या ये समझो ये क्लोरीन है और ये हाइड्रोजन है, इस पे क्या आ गया निगेटिव, इस पे क्या आ गया पॉजिटिव, तो क्या दोनों पास नहीं आ जाएंगे, थोड़ा सा पास आएंगे तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी कम, तो क्या वो आर ए प्लस आर बी बराबर होगी क्या, उससे कम होगी। बात समझा क्या, आर ए प्लस आर बी से क्या होगा कम होगा, तो कितना होगा साहब ये देखो, डी ए बी इक्वल टू आर ए प्लस आर बी माइनस 0.09 डेल्टा एक्स स्क्वायर। सर ये क्या लिख दिया, डेल्टा एक्स है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन टू एटम, यानी डेल्टा एक्स पर, और डिटेल में लिखूं आपसे, डी ए बी इक्वल टू आर ए प्लस आर बी माइनस 0.9, इसको लिख सकते हैं जीटा ए माइनस जीटा बी, जीटा ए माइनस जीटा बी, ठीक है। अब जीटा ए क्या है, अरे रुक जाओ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए, ठीक है, जीटा ए क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए, अभी समझ में आ जाएगा, जीटा बी क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी, आप चलो समझा देता हूं धीरे-धीरे, बोलो समझो, ये ए था ये बी था बराबर, तो जीटा ए क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए, ए बोले तो 2.1 हाइड्रोजन की पॉलिंग स्केल पे, बी बोले तो क्लोरीन 3, तो यहां पे क्या होगा 1-3 या 2.1-3, लेकिन मैंने क्या लगा है मॉड, मॉड का मतलब भले नेगेटिव है पॉजिटिव है, बात समझा क्या, ठीक है। तो ये होता है कब, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में होता है डिफरेंस, बात समझा क्या, मतलब जब तक दोनों एटम सेम है, बॉन्ड लेंथ इक्वल टू आर ए प्लस आर बी, ठीक है, तो दोनों सेम है ए और ए ही है दोनों एटम H2Cl2, तब तो कोई टेंशन ही नहीं है तुमको, ठीक है, जो बॉन्ड लेंथ आया उसको दो से डिवाइड मार दो क्या आ जाएगा एटॉमिक रेडियस बराबर। और अगर दोनों एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, दोनों एटम डिफरेंट है बट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, जैसे फास्फोरस हाइड्रोजन ये सब हो गए, तब भी क्या बॉन्ड लेंथ इक्वल टू आर ए प्लस आर बी, ये वर्क करता है। लेकिन जब दो एटम में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अच्छा खासा डिफरेंस हो जाता है जैसे HCl, तब बॉन्ड लेंथ इक्वल टू आर ए प्लस आर बी नहीं होगा, बॉन्ड लेंथ इक्वल टू आर ए प्लस आर बी में से इतना माइनस करना पड़ेगा, बात समझा क्या, तब जो आएगा वो क्या आएगा बॉन्ड लेंथ, फिर इसको दो से डिवाइड करोगे तब आएगी रेडियस, कहां पे, अरे बाबा ये फॉर्मूला है, कहां से आने की फॉर्मूला है, ठीक है, ये फॉर्मूला निकाल के दिया गया है कि बॉन्ड लेंथ अगर दोनों एटम के इलेक्ट्रॉन डिफरेंट हो तो बॉन्ड लेंथ का फॉर्मूला क्या होगा, तब वो एटॉमिक रेडियस के बराबर बॉन्ड लेंथ नहीं आएगी, उससे छोटे वो माइनस क्या प्रूव कर रहा है कि जो भी रेडियस है उससे कम आएगी ना वैल्यू, दोनों को जोड़ने से मान लो ये आया सपोज करो 3 सेंटीमीटर बॉन्ड लेंथ, पहले 3 सेंटीमीटर ये कुछ आएगी मान लीजिए 2.7, क्योंकि इतना आपको माइनस भी तो करना होगा ना पूरे टर्म, नहीं समझ में आ रहा है क्या, समझा कि नहीं, तो ये हुआ आपका क्या पहला कोवेलेंट रेडियस का कांसेप्ट, तीन चीजें बताया, इफ बोथ द एटम आर सेम, ठीक है, तब तो बॉन्ड लेंथ इक्वल टू आर ए प्लस आर बी, ठीक है, दोनों एटम डिफरेंट है बट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तब भी बॉन्ड लेंथ इक्वल टू आर ए प्लस आर बी, लेकिन अगर दोनों एटम डिफरेंट है उनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का भी डिफरेंस है तब बॉन्ड लेंथ दोनों के एटॉमिक रेडियस को जोड़ने के बराबर नहीं आएगा, बी ए बी बॉन्ड लेंथ इक्वल टू आर ए प्लस आर बी नहीं होगा, बॉन्ड लेंथ इससे कम आएगा, कितना कम आएगा ये देखो लिखूंगा माने 0.9 डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स क्या है दोनों एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैंने यहां लिखा है इसका क्या होता है, बात समझ में आ रहा है क्या, कोवेलेंट रेडियस समझ में आया, अब बुक अपनी मत देखने लगना सर ये सब कुछ लिखा ही नहीं है बुक में हमारी, ठीक है, इसलिए तुमसे कोई एंट्रेंस का क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता। आइए अब बात करते हैं दूसरा वैन डर वाल रेडियस, इसमें किसी को डाउट हो तो बताओ, समझ में आ गया अच्छे से, चलिए अब बात करते हैं वैन डर वाल रेडियस, अब चीजें आसान है, अब इतना तकलीफ नहीं होगी, जो था कोवेलेंट रेडियस था तकलीफ इधर ध्यान दो, वैन डर वाल रेडियस देखो, वैन डर वाल रेडियस का मतलब क्या भाई, वैन डर वाल रेडियस कब यूज आती है, मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में भी अट्रैक्शन चलता है, याद करो कि हमने क्या पढ़ा था डाइपोल डाइपोल, HCl का मॉलिक्यूल दूसरे HCl मॉलिक्यूल को भी क्या कर रहा था अट्रैक्ट कर रहा था, एक Cl2 का मॉलिक्यूल दूसरे Cl2 के मॉलिक्यूल को भी अट्रैक्ट कर रहा था लंडन फोर्स, इसका मतलब मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल के बीच में भी अट्रैक्शन होता है, तो सपोज करो कि मान लो ये एक मॉलिक्यूल है, मान लो ये H2 मॉलिक्यूल, अभी बहुत डिटेल करूंगा परेशान मत, ये हुआ H2 मॉलिक्यूल, ये भी दूसरा बाजू में मॉलिक्यूल रखा है H2, तो ये मॉलिक्यूल भाई कंटेनर में अगर गैस के गैस भरी है
तो जो गैस के मॉलिक्यूल उनमें भी कुछ अट्रैक्शन चल रहा होगा ना, तभी पढ़ा इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन पढ़ाया था आपको स्टेट्स ऑफ मैटर में, मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन, वो क्या था, वान डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो जरा समझो कि अगर एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ये है, अभी डिटेल करूंगा, एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ये है, तो दो एडजेसेंट मॉलिक्यूल की सेंटर टू सेंटर का जो डिस्टेंस है उसका आधा डिस्टेंस वान डर वाल रेडियस कहलाता है। दो मॉलिक्यूल के सेंटर टू सेंटर की डिस्टेंस का जो हाफ डिस्टेंस है वो वान डर वाल रेडियस कहलाता है। अभी मैं प्रूव करता हूं, देखो जैसे चलो अब इसको मैं H2 मॉलिक्यूल माना हूं। अच्छा ये बताओ H2 के अंदर H और H तो कोवेलेंट बॉन्ड बना के बैठे होंगे, मेरी बात समझना। मान लो ये पहला हाइड्रोजन एटम और ये दूसरा, H2 तभी बनेगा, मेरी बात समझो, ये पहले हाइड्रोजन का न्यूक्लियस, ये दूसरे का, तो क्या ये बॉन्ड लेंथ हो गई और इसकी हाफ डिस्टेंस क्या एटॉमिक रेडियस ऑफ हाइड्रोजन हुआ, कोवेलेंट रेडियस, बराबर ना, ये कोवेलेंट रेडियस हुआ, बराबर। अब बाजू में दूसरा मॉलिक्यूल है H2 का, उसका न्यूक्लियस, दो एटम के बीच में क्या कोवेलेंट रेडियस होगी, ये इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, इसकी हाफ डिस्टेंस क्या होगी, कोवेलेंट रेडियस, बराबर ना बेटा। चलो ये आजू बाजू में क्या रखा है, एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल दूसरा हाइड्रोजन, ये दोनों भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे कैसे, जरा सुनो, दो दो एडजेसेंट मॉलिक्यूल के जो एडजेसेंट एटम होते हैं उनकी जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होती है, उनकी जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होती है उसकी हाफ डिस्टेंस वान डर वाल रेडियस कहलाती है। कुछ समझा? दो मॉलिक्यूल लिया, अरे नहीं, ये एक H2 मॉलिक्यूल, अच्छा H2 मॉलिक्यूल के अंदर HH में कौन सी रेडियस है, कोवेलेंट, HH में कोवेलेंट बॉन्ड, यहां तो कोवेलेंट रेडियस है, बट एक H2 मॉलिक्यूल इधर रखा है, उसके बाजू में एक H2 रखा है, तो दो मॉलिक्यूल भी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे ना थोड़ा बहुत। तो क्या है, दो एडजेसेंट मॉलिक्यूल, क्या ये दोनों अगल बगल है, एडजेसेंट, क्या ये दोनों न्यूक्लियस अगल बगल है, तो दो एडजेसेंट मॉलिक्यूल के जो एडजेसेंट न्यूक्लियस होते हैं, मैं यहां नहीं बोल रहा हूं, यहां से यहां तक खींच दो, ठीक है, दो एडजेसेंट मॉलिक्यूल के दो एडजेसेंट न्यूक्लियस की जो हाफ डिस्टेंस होगी दैट इज कॉल्ड वान डर वाल, यानी दिस रेडियस इज कॉल्ड वान डर वाल रेडियस, दिस रेडियस इज कॉल्ड वान डर वाल, समझता है क्या? समझा थोड़ा सा कि क्या है बेटा, वान डर वाल रेडियस, क्या मैं डायरेक्ट सिंपल से बता दिया था कि दो एडजेसेंट मॉलिक्यूल की सेंटर टू सेंटर की डिस्टेंस, देखो मैंने फिर बोला था एडजेसेंट दो मॉलिक्यूल दोनों क्या है एडजेसेंट, अगल बगल रखे हैं, तो इनमें भी क्या इसका न्यूक्लियस और इसका, तुम ये मत करना यहां से लेकर यहां तक खींच दो आधा कर दो, ऐसा नहीं है, दो एडजेसेंट मॉलिक्यूल के जो एडजेसेंट न्यूक्लियस है उनकी जो डिस्टेंस है उसकी आधी डिस्टेंस वान डर वाल रेडियस कहलाती है। उस बात भेजे में जा रही है, समझा? तो क्या बोलते हैं अपन लोग, वान डर वाल रेडियस। इसका मतलब एक बात बता बेटा, तुम सोच के बताना, जब एटम ऐसे ऐसे थे क्या ये रेडियस कोवेलेंट थी, क्या भाई ये रेडियस क्या थी, कोवेलेंट, और एडजेसेंट मॉलिक्यूल के बीच में जो न्यूक्लियस है उसका डिस्टेंस एडजेसेंट मॉलिक्यूल है, मान लो H2 मॉलिक्यूल है H2, तो ये रेडियस क्या कहलाएगी, वान डर वाल। आप बताओ कौन सी रेडियस बड़ी होगी, वान डर वाल या कोवेलेंट, वान डर वाल, साफ साफ दिख रहा है भाई, वहां एक दूसरे घुस जा रहे हैं, यहाँ घुस कहाँ रहे हैं, दूर दूर है ना भाई, यहाँ पे इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस भी तो ज्यादा मिलेगी, वहां एक दूसरे घुस गए तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कम हुई तो रेडियस भी कम होगी, यहाँ एक दूसरे में ओवरलैप नहीं कर रहे, काफी दूर दूर है, तो इनका इस न्यूक्लियस और इस न्यूक्लियस की जो बॉन्ड लेंथ है वो भी क्या होगी, ज्यादा होगी, इसका आधा भी तो ज्यादा आएगा, समझा कि नहीं? इसका मतलब जो वान डर वाल रेडियस होता है, जो वान डर वाल रेडियस होता है वो कोवेलेंट रेडियस से बड़ा होता है, और वान डर वाल रेडियस कहां पाई जाएगी, इनर्ट गैस में, क्योंकि वो क्या होंगे, वो मॉलिक्यूल बनाएंगे ही नहीं मोस्टली, भाई वो बॉन्ड कहां बनाते हैं, तो एक हीलियम का एटम, मान लो ये पहला हीलियम है, ये बाजू में दूसरा हीलियम का एटम रखा है, तो इनमें क्या बॉन्ड बनेगा, क्या ये ओवरलैप करेंगे, क्या नहीं करेंगे, कोवेलेंट रेडियस की बात ही नहीं पैदा होगी, तो यहाँ किस रेडियस की बात करेंगे, वान डर वाल, दोनों की जो आपकी इंटरनल डिस्टेंस का हाफ डिस्टेंस क्या, वान डर वाल, इनर्ट गैस में अपने को वान डर वाल रेडियस देखने को मिलता है, समझा क्या? तो ये हुआ आपका वान डर वाल रेडियस, क्या दो एडजेसेंट मॉलिक्यूल के एडजेसेंट न्यूक्लियस की जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है उसकी एग्जैक्ट हाफ डिस्टेंस वान डर वाल रेडियस कहलाती है। बात समझ में आ रहा है क्या? तीसरा क्या है, मेटालिक रेडियस, तीसरा क्या है आपका, मेटालिक रेडियस, इनर्ट गैस में कौन सी रेडियस होती है, वान डर वाल, दिमाग में सेट कर लो,
तीसरा है मेटालिक रेडियस। मेटल में क्या होते हैं बेटा, जब दो मेटल एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आते हैं ना, ना तो बहुत दूर रहते हैं ना ओवरलैप करते हैं, वो ऐसे चिपकते हैं। देखो मेटल क्या है, सॉलिड। मेटल क्या होते हैं, सॉलिड। सॉलिड में पार्टिकल्स कैसे रहते हैं, क्लोजली पैक्ड। इसका अगर मैं बोलूं ये आयरन का क्रिस्टल है, तो सारे आयरन के मॉलिक्यूल कैसे होंगे, ऐसे ही ऐसे होंगे। आयरन के आइटम भाई मेटल है, मेटल में एकदम चिपके होते हैं। तो इसका मतलब अगर ये मेटल का क्रिस्टल है, तो दो मेटल की जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है, उसकी आधी डिस्टेंस क्या कहलाएगी, मेटालिक रेडियस। खत्म कहानी। तीनों में अंतर देखो, कोवेलेंट में एक दूसरे में घुस गए, वांडरवाल में काफी ज्यादा दूर थे, तो इनकी डिस्टेंस का आधा। अब मेटालिक में दो मेटल क्लोजली पैक्ड होंगे, घुसे नहीं, अंदर नहीं घुसे, तो क्या इनकी जो बॉन्ड लेंथ आएगी वो कोवेलेंट ज्यादा आएगी, इसका आधा भी तो कोवेलेंट ज्यादा आएगा। इसका मतलब अब पूछो, तीनों में सबसे ज्यादा, सबसे बड़ी रेडियस वान डर वाल, उससे छोटी मेटालिक, सबसे छोटी कोवेलेंट। ये चार नंबर का क्वेश्चन है आईआईटी यूनिट का, ऑर्डर ऑफ रेडियस। बात समझा क्या, तो सबसे बड़ी रेडियस जो होती है दैट इज वान डर वाल, सबसे बड़ी वान डर वाल, उससे छोटी मेटालिक रेडियस, और सबसे छोटी होती है कोवेलेंट रेडियस। ना समझ में इस फील्ड को ले लेना, ठीक है, कि यहाँ पे दोनों घुस गए एक दूसरे में, तो यहाँ पे क्या बॉन्ड लेंथ ही कम आएगी, उसका आधा भी कम मिलेगा। यहाँ पे दोनों काफी दूर दूर हैं, इनके न्यूक्लियस भी दूर दूर होंगे, इनकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा आएगी, उसका आधा भी ज्यादा आएगा। यहाँ पे क्या जस्ट टच कर रहे हैं एक दूसरे को, ठीक है, तो इनसे तो बड़ा आएगा बॉन्ड लेंथ, लेकिन इनसे छोटा है। समझ में आ गया, ये हो गया क्या आपका कोवेलेंट रेडियस, मेटालिक रेडियस एंड वान डर वाल, ये बात ध्यान रखिएगा। बात समझ में आ रहा है। अब आते हैं पीरियोडिक टेबल में, आयनिक रेडियस भी बचा है, उसको लास्ट में भी लूंगा मैं। पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट चलने पर हम जितनी बात बढ़ाएंगे हम कोवेलेंट रेडियस के लिए बढ़ाएंगे, ठीक है, मेटालिक, और वहां पे हम क्वेश्चन करेंगे तो इसको आपस में कंपेयर कर लेंगे। किस आपसे पूछेगा कि बताइए लेफ्ट टू राइट चलने पर पीरियोडिक टेबल में साइज घटता है या बढ़ता है, टॉप टू बॉटम चलने पर पीरियोडिक टेबल में साइज बढ़ता है या घटता है। और साइज एक ऐसा फैक्टर है जिसको आपने एक बार यहां तैयार कर लिया, तो अगर साइज दिमाग में तुम्हारे है, तुम्हारे 50% क्वेश्चन हो जाते हैं। अगर साइज भी दिमाग में है तो भैया लेफ्ट टू राइट चलने पर घटता है, टॉप टू बॉटम चलने पर बढ़ता है, ठीक है, मैं प्रूफ करके इस बात को दिखाता हूं, फिर एक्सेप्शन डील करेंगे। तो शाम को ही होगा। देखो वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियस, वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियस, घर पे बैठ के मोबाइल खोल लेना ऑनलाइन, ठीक है, वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियस। देखो अपने को कोई भी प्रॉपर्टी पढ़ना है, उसका वेरिएशन कैसे पढ़ना है, अलोंग द पीरियड डाउन द ग्रो, हर प्रॉपर्टी को सीखना है कि वो लेफ्ट टू राइट चलने पर बढ़ रही है या घट रही है, एक्सप्लेन करिए, टॉप टू बॉटम चलने पर बढ़ रही है घट रही है, एक्सप्लेन करिए, ठीक है। चलो देखो सबसे पहले अगर बात करें बेटा हम अलोंग द पीरियड, अलोंग द पीरियड यानी मैं लेफ्ट टू राइट की बात कर रहा हूं, जब हम लेफ्ट टू राइट किसी भी पीरियड में चलेंगे, ये मैं नॉर्मल ट्रेंड बता रहा हूँ, एक्सेप्शन कवर नहीं कर रहा हूँ, अभी नॉर्मल चीज सीख लो, फिर हर पीरियड में क्या एक्सेप्शन है वो डील करेंगे, ठीक है। एक नॉर्मल ट्रेंड क्या बोलता है कि जब भी हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं, चलो मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, ठीक है, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, मैं इनर्ट गैस नहीं लिखूंगा क्योंकि उसका साइज सबसे ज्यादा हो जाएगा, तो वहां वान डर वाल रेडियस आ जाएगा, ठीक है। चलो एक बात समझो, ये सब बहुत ध्यान से देखो, ये सब सेकेंड पीरियड के एलिमेंट है, तो मैं एक पीरियड में समझा दे रहा हूँ, बाकी पीरियड में सेम ट्रेंड चलेगा लेफ्ट टू राइट का। अगर मैं इनके जेड की बात करूं, जेड का मतलब न्यूक्लियर चार्ज, एटॉमिक नंबर, तो लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, यानी इसके न्यूक्लियस में 3 प्रोटॉन है, 3 प्लस चार्ज है, इसका 4, इसका 5, इसका 6, इसका 7, इसका 8, इसका 9, बराबर। अच्छा ये सारे एलिमेंट सेकेंड पीरियड के एलिमेंट है, इसका मतलब इन सब की जो लास्ट सेल होगी वो सेकेंड सेल होगी, इन सब के लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां होंगे, सेकेंड सेल में होंगे। इसका मैं समझो कि मान लो ये न्यूक्लियर फर्स्ट सेल सेकेंड सेल, ये न्यूक्लियस फर्स्ट सेल सेकेंड सेल, आपको समझा रहा हूं, इतना मैं नोट्स बनाया नहीं, ठीक है। सबके न्यूक्लियस बाहर दो ही सेल है ना भाई, सेकेंड पीरियड का एलिमेंट का मतलब न्यूक्लियस बाहर सेकेंड सेल और सेकेंड सेल में लास्ट इलेक्ट्रॉन, सबके लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां है, सेकेंड सेल। अच्छा अगर नॉर्मली मैं बोलूं तो साइज या एटॉमिक रेडियस होता क्या था, न्यूक्लियस से बैलेंस इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस, इन नॉर्मल ट्रेंड अगर नॉर्मल पूछूं तो न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस क्या थी, रेडियस।
तो क्या इन सब में आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट में है? तो देखने तो ऐसा लग रहा होगा सब में तो न्यूक्लियस से सेकंड ऑर्बिट बराबर डिस्टेंस पे होगी, इसका मतलब साइज सेम, मेरी बात समझो, ठीक है भाई, सब सेकंड पीरियड के एलिमेंट है ना, सबके लास्ट इलेक्ट्रॉन किस पीरियड में है? सेकंड, और साइज क्या कहलाती है? न्यूक्लियस से लास्ट इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस। तो क्या इन सारे एलिमेंट पे लास्ट इलेक्ट्रॉन सेकंड सेल में ही है? तो सेकंड सेल की डिस्टेंस तो ऐसा लग रहा है बराबर होगी ना सब जगह पे, तो साइज तो कॉन्स्टेंट होना चाहिए फिर, जबकि ऐसा नहीं होता, लेफ्ट टू राइट चलने पर साइज डिक्रीज होता है, ठीक है, पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट चलने पर साइज क्या होता है? डिक्रीज। नो डाउट सबके बैलेंस इलेक्ट्रॉन सबके लास्ट इलेक्ट्रॉन सेकंड सेल में, और न्यूक्लियस से जो लास्ट सेल की डिस्टेंस होती है जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वही क्या कहलाता है? रेडियस, इन नॉर्मल ट्रेंड में बता रहा हूँ, नॉर्मल सिचुएशन। तो अभी तो देख के ऐसा लग रहा है कि सर सेकंड पीरियड के एलिमेंट यानी सबकी लास्ट सेल सेकंड, सबका लास्ट इलेक्ट्रॉन सेकंड सेल में, तो न्यूक्लियस से सेकंड सेल सब जगह पे तो बराबर डिस्टेंस पे होगी, फिर साइज क्या होना चाहिए? लेफ्ट टू राइट कॉन्स्टेंट होना चाहिए, जबकि लेफ्ट टू राइट चलने पर साइज घटता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देखो न्यूक्लियर चार्ज को तौर पर, नो डाउट सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन सबके लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ है? सेकंड सेल में, बट इसके लास्ट इलेक्ट्रॉन को इसके न्यूक्लियस पे प्लस थ्री का न्यूक्लियर चार्ज है, यहाँ चार प्रोटॉन इसके न्यूक्लियस पे प्लस फोर का पॉजिटिव चार्ज है, इसके न्यूक्लियस पे प्लस फाइव का पॉजिटिव चार्ज है, इसके न्यूक्लियस पे प्लस सिक्स जितने प्रोटॉन उतना पॉजिटिव चार्ज, इसके न्यूक्लियस पे प्लस सेवन का पॉजिटिव चार्ज, इसमें प्लस एट का पॉजिटिव चार्ज, इसका प्लस नाइन। तो नो डाउट लेफ्ट टू राइट चलने पर कोई नई शेल नहीं ऐड हुई, सबके लास्ट इलेक्ट्रॉन सेकंड सेल में ही है, देखने से तो ऐसा लग रहा है भाई न्यूक्लियस से जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है सब में सेकंड सेल में है, साइज तो सबकी कांस्टेंट होनी चाहिए, जब मैं बोल रहा हूं साइज क्या हो रही है? डिक्रीज, क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, यहां लास्ट इलेक्ट्रॉन को तीन प्रोटॉन मिलकर खींच रहे हैं सेकंड सेल के इलेक्ट्रॉन को, यहां सेकंड सेल के इलेक्ट्रॉन को चार प्रोटॉन, यहां यहां, तो जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा लास्ट इलेक्ट्रॉनों का अट्रैक्शन टुवर्ड्स न्यूक्लियस बढ़ेगा और साइज छोटी होती जाएगी, बात समझा क्या? तो आप इसको कैसे लिख किया होगा अगर एग्जाम में आ गया तो, इंट्रेंस की बात नहीं कर रहा हूं, आप अगर आपके नॉर्मल कॉलेज के एग्जाम में कि ट्रेंड कैसे लिखोगे, तो आप पहले ऐसे बना देना, वहां लिखना व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन पीरियोडिक टेबल, ठीक है, साइज डिक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज, बस ये एक लाइन में कुछ आपके आना है, ठीक है, ऑन लेफ्ट टू राइट इन पीरियोडिक टेबल साइज डिक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज, समझ में आ गया? एक बात आपसे याद कर लो कि पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट चलने पर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का जो अट्रैक्शन होगा टुवर्ड्स न्यूक्लियस क्या वो भी बढ़ेगा? वो भी बढ़ेगा, जब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स न्यूक्लियस ज्यादा अट्रैक्ट होंगे तो क्या होगा? साइज आपका घट जाएगा, बताओ बात समझ में आती है क्या? इसका मतलब लेफ्ट टू राइट चलने पर क्या हुआ? न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा जिससे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन टुवर्ड्स न्यूक्लियस बढ़ गया, नहीं समझ पा रहे हो? एकदम आसान है, इसमें तो कुछ समझना ही नहीं है, ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया जिससे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन टुवर्ड्स न्यूक्लियस बढ़ गया जिससे साइज क्या हो गया? कम हो गया। अच्छा अब बात करते हैं टॉप टू बॉटम की, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, आइए अब जरा बात करते हैं यहां पे टॉप टू बॉटम यानी डाउन द ग्रुप, तो यहां पे साइज बढ़ेगा बेटा, ठीक है, जैसे मैं बोलूं लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबीडियम सीजियम फ्रांसियम, जान कुछ नहीं दे रहा हूं, रेडियो एक्टिव है, इतने में ही तुम सीख जाओ, ये सेकंड पीरियड का एलिमेंट, ये थर्ड पीरियड का, ये फोर्थ, ये फाइव, ये सिक्स, बराबर। अच्छा कोई भी एलिमेंट जिस पीरियड में है इसका मतलब उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन उसी सेल में है, तो लिथियम पीरियड का एलिमेंट है यानी इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन क्या सेकंड सेल में है, ये थर्ड पीरियड में है इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन थर्ड सेल में है, ये फोर्थ पीरियड में है तो इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो फोर्थ सेल में है, ये फिफ्थ पीरियड में है इसका मतलब इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, और इसका अगर बोलूं तो लास्ट इलेक्ट्रॉन क्या न्यूक्लियस से जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है उसी का डिस्टेंस साइज कहलाता है। तो जब टॉप टू बॉटम चल रहे हो तो क्या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ रहा है, ये नंबर ऑफ सेल्स ही बढ़ रही है, देखो ये हुआ साइज, 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 बढ़ गया क्या साइज, ठीक है। इसका मतलब जब डाउन द आप ग्रुप आते हो यानी व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन पीरियोडिक टेबल साइज इंक्रीजेस, अब बता दो ऑप्शन क्या बन गया आएगा, ड्यू टू इंक्रीजिंग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ड्यू टू इंक्रीजिंग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी एन की वैल्यू बढ़ रही है, ये था पीरियड नंबर, इसी को प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोलते हैं, एन की वैल्यू बढ़ रही है, नंबर ऑफ सेल्स ही बढ़ रहे हैं,
और नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगे तो साइज क्या हो जाएगा आपका, बढ़ जाएगा। तो बताओ इतनी कहानी आपको समझ में आ गई कि नहीं? अलोंग द, ये बात कभी मत भूलना, दो साल मत भूलना, झटके में कोई नींद में भी उठा के पूछे ना कि लेफ्ट टू राइट चलने पर साइज बढ़ता है घटता है, तो आप बोलोगे घटता है, नॉर्मल ट्रेंड, टॉप टू बॉटम बढ़ता है, ये बोल गए पूरी नॉर्मलिंग नहीं आएगी तुमको। उसके आगे भी अब जब शाम को आप मिलोगे मैं इसमें आपको एक्सेप्शन डील करूंगा, ठीक है सारे। फिर दूसरा पढ़ाऊंगा आयोनाइजेशन एनर्जी, यहाँ लिखोगे व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन पीरियोडिक टेबल साइज इंक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीजिंग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, खत्म, ड्यू टू इंक्रीजिंग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। मैंने क्या लिखा है, मैंने वैसे कुछ लिखा होगा जरूर, मैंने लिखा नंबर ऑफ सेल्स बढ़ती है इसीलिए एटॉमिक रेडियस बढ़ता है, सिंपल सा, ठीक है। किसी को कोई डाउट तो नहीं है? हाँ बोल लो। इसको हाँ लैंथेनाइड 4F ही बोलते बेटा, हाँ 4F सीरीज बोल देंगे क्योंकि वहां पे 14 एलिमेंट्स है ना और सबके इलेक्ट्रॉन 4F1 4F2। चलो नो डाउट यहाँ भी आ गया, सही समझ में आ गया आपको। शाम का लेक्चर और इंटरेस्टिंग है, एक्सेप्शन बड़े आएंगे, ध्यान से नेटवर्क वेटवर्क सब सही रखना अपना, समझेगा नहीं कुछ आपको। हाँ बेटा वांडरवाल फोर्स जो होता है वो कोवेलेंट फोर्स से वीक होता है ना, कोवेलेंट फोर्स से स्ट्रांग होता है, कोवेलेंट बॉन्ड स्ट्रांग होता है, मैंने पहले ही बताया था स्ट्रक्चर ऑफ एटम में कि जो केमिकल बॉन्ड होता है वो आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड होता है, केमिकल बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग, फिर उससे वीक कौन सा होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड, और सबसे वीक होता है वांडरवाल बॉन्ड, ये पहले भी बताया था आपको। कोई डाउट है तो बोलना, कुछ डाउट है तुमको? हाँ बोलना, कुछ बोलो भाई, क्या डाउट है पूछ के जाओ, नहीं तो दिन भर परेशान रहोगे। नोट्स मैंने ऑलरेडी भेज दिया बेटा, नोट्स मिल गया होगा, क्या बोल रहा है नोट्स? हाँ बोलो, क्या बोलो बोलो, डाउट कुछ है? हाँ मैं समझ रहा था ये डाउट आएगा, ठीक है। एक्चुअली मैंने आपको स्लेटर रूल नहीं पढ़ाया कि क्यों कैसे स्क्रीनिंग निकाला जाता है, स्क्रीनिंग और इफेक्ट, नो डाउट। अगर आप सोच रहे हो कि सर सेल्स बढ़ा है ना, तो नो डाउट ऐसा तुम सोच रहे हो सर न्यूक्लियर चार्ज को यहाँ भी बढ़ा है, तो आज दिमाग ये डाउट चल रहा है कि यहाँ पे सर 3 सर यहाँ तो 11 उससे भी खतरनाक न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, यहाँ तो बस लेफ्ट टू राइट चला था एक एक प्रोटॉन बढ़ रहा था, यहाँ 3 से बाद सीधे 8 प्रोटॉन बढ़ गया, ये दिमाग में डाउट था, ठीक है। तो जब लेफ्ट टू राइट टॉप टू बॉटम चलते हो ना बेटा, तो क्या नो डाउट स्क्रीनिंग भी बढ़ती है, स्क्रीनिंग भी क्या होगा बढ़ेगा, स्क्रीनिंग आपका क्या बढ़ता है, लेकिन आपको अगर जब मैं सही से कैलकुलेट करवाऊंगा ना कभी फ्यूचर में, अभी मैं जानबूझ के नहीं पढ़ाया स्लेटर रूल क्योंकि उसके क्वेश्चन आ नहीं रहे, तो आपको बताऊंगा कि इसका जो आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है, इसका जो होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आपका 2.6, फिर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो आपका सब कॉन्स्टेंट हो जाता है 2.2 2.2 2.2। बता दू कैसे, मतलब देखो उस पर चला जाऊंगा टॉपिक बहुत लंबा चला जाएगा मेरा, कि कैसे ये 2.2 2.2, पूरा कैलकुलेशन है पूरा, कि स्क्रीनिंग को मतलब मैंने जानबूझ के नहीं पढ़ाया, कि जो सेम ऑर्गेनेल बताया था ना आपको, ये न्यूक्लियस है और जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को धक्का मारते हैं, बराबर, तो कितना धक्का मारेंगे ये भी कैलकुलेशन है अपने पास, कि जो सेम सेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका जो स्क्रीनिंग पावर होता है वो होता है आपका 0.85, अपनी पूरी ताकत के 85% पार्ट से रिपल्शन देते हैं, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन 0.35 उसके अंदर वाले 1 की ताकत से रिपल्शन देते हैं, ठीक है। तो ये सब बातें क्या स्लेटर रूल का है, आप अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो इतना बात याद रखो कि टॉप टू बॉटम चलने पर न्यूक्लियर चार्ज कॉन्स्टेंट हो जाता है, ठीक है। मैं जानबूझ के इसलिए उसको नोट से भी गायब कर दिया था, क्योंकि अगर नोट्स मेरे नोट्स में था पीरियोडिक टेबल पे, बट मैं जानबूझ को हटाया क्योंकि यहाँ रिक्वायरमेंट नहीं थी उसकी, नहीं तो मैं स्लेटर रूल मेरे पीरियोडिक टेबल के नोट्स में मिलता है, मैं जानबूझ जब स्कैन किया तो उसको हटा दिया, ठीक है, क्योंकि उसको पढ़ाने का मतलब 2 घंटे का एक्स्ट्रा लेक्चर लगा दिया स्लेटर रूल कैलकुलेट करवाना, हाँ वो आएगा ही नहीं बेटा। स्लेटर रूल क्या है, इसी चैप्टर में है आपका, स्ट्रक्चर ऑफ एटम है, मैं आपको पढ़ाऊंगा वो चीज स्लेटर रूल, ठीक है। तो आपको मैं एक्चुअली क्या, स्लेटर रूल से क्वेश्चन आते ही नहीं कि आप कैलकुलेशन पूछता ही नहीं कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैलकुलेट करो जेड इफेक्टिव, और नहीं है ना कि पूरा लेक्चर हो जाने दो पीरियोडिक प्रॉपर्टी का, एक लेक्चर मैं ले लूंगा उसमें आपको मैं स्लेटर रूल भी बता दूंगा, तो यहाँ पे मैं प्रूफ करके दे दूंगा कि देखो तुमको लग रहा था कि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा था, जबकि देखो कि न्यूक्लियर चार्ज यहाँ पे कांस्टेंट आएगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, देखो न्यूक्लियर चार्ज अलग चीज है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अलग चीज है, ठीक है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, कॉन्स्टेंट होता है, इसीलिए डॉमिनेटिंग फैक्टर क्या होता है आपका, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है, ये डॉमिनेट कर जाता है आपका और साइज हो जाता है आपका इंक्रीज, समझ में आ गया। परेशान मत हो ये कैसे आया, मैं आपको बता दूंगा, अगर आपको स्लेटर रूल पढ़ने का इतना मन है तो पढ़ा दूंगा, बाकी इतना भी याद रखोगे तुम्हारा कोई क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है कि लेफ्ट टू राइट चलने पर साइज घटता है क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, टॉप टू बॉटम चलने पर साइज बढ़ता है क्योंकि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ता है, बस।
चलिए बाकी फिर इवनिंग में पढ़ते हैं इसका, एक्सेप्शन और आयोनाइजेशन एनर्जी।